हरे 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 राम सुथरा इस तरह करो हमारा मरा बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम इसका इको थोड़ा कम कर दो। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कतकले हम लोग श्रवण कर रहे थे कद श्रीमद भागवत कथा की महात्म्य को, उसमें हम श्रवण कर रहे थे अगर पापी से पापी व्यक्ति क्यों नहीं हो जैसे धुंधुकारी है। उसने इतने पाप किया था जब गोकर्ण उसको नाम पर गया में पिंड देकर घर में आया देखा पैर वो प्रेत बन करके बैठा हुआ। लेकिन भगवान का वरदान है अगर कोई एक बार गया जाए अपना पितृ पुरुषों के उद्देश्य में एक बार पिंड दे दे वहाँ पर गदाधर भगवान का चरण का छाप है उसको जरूर ये संसार से उसको मुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन जब देख करके आया देखा फिर वो प्रेत बन करके बैठा हुआ कभी घोड़ा बन करके कभी हाथी बन करके कभी बिल्ली बन करके डरा रहा है। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप किया है अगर मेरे नाम पर 100 बार भी क्यों पिंड नहीं दे मेरी उधार नहीं। लेकिन उसको उधार कैसे हुआ जब उन्होंने सूर्य देव को प्रश्न की इनकी उधार कैसे होगा। बोले इनको भागवत कथा श्रवण कराओ ये भागवत कथा से इनको मुक्ति मिल जाएगी। तात्पर्य यह है हम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो अगर एक बार ये भागवत कथा में बैठ जाओ देखना जरूर तुम्हारी उधार हो जाएगी। आप अभी ये पितृपक्ष चल रहा है क्या देखना एक होता है पितर दोष। पितर दोष मतलब हमारी पूर्वज लोग जो पहले चले गए अगर उनको आत्मा को शांति नहीं मिल रही है वो सुख में नहीं देखना घर में भी शांति सुख नहीं आता है। जितने घर में पैसा धन दौलत किछु क्यों नहीं हो लेकिन घर में शांति सुख नहीं होता। बोले क्यों बोले ये पितर दोष हमारी है। लेकिन ये पितर दोष कैसे दूर होता है बोले ये श्रीमद भागवत कथा से उसको पितर दोष उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए भागवत कथा की इतने महिमा ये भागवत कथा की। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए बोले पापी से पापी भी अगर कथा सुने उनको भी भागवत मुक्ति प्रदान करती। अगर ज्ञानी से ज्ञानी हो अगर कोई बोले अरे हम तो सब जानते हैं ये सुनी सुनाई कथा को हम कितना सुनेंगे हैं हम सब पढ़ रहे हैं हमें कोई सुनने का कोई जरूरत नहीं। उसके लिए उदाहरण दिए हैं हम ये सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े हम ज्ञानी नहीं जिन्होंने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और जन्म होते ही संन्यास लेकर के चले गए और इतने बड़े ये ब्रह्म ज्ञानी थे वो एकदम ब्रह्म में डूबे हुए थे। लेकिन ये भागवत कथा में इतने शक्ति केवल भागवत का एक श्लोक उनको कानों में पड़ा तो वो पागल हो गए। उनने सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़ करके आए और ये भागवत कथा को श्रवण किए। इसका तात्पर्य है ये कथा को कौन सुन सकते हैं बोले ज्ञानी से ज्ञानी भी क्यों नहीं हो वो भी कथा सुन सकते हैं। क्योंकि जो भगवान की जो कथा है ना वो जितने सुना ऐसे लगता है जीवन में हमने कभी कथा सुनी नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले राम कथा जय सुना
गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोले अरे कथा सुनते सुनते हम बोर हो गए, गोस्वामी जी कहते हैं ये समझो वो भक्ति रस क्या उसको पता ही नहीं। आप लोग रोज रोटी खाते हैं कि नहीं, रोज रोटी खाते हो, अगर तुमको दिन भर अगर रोटी नहीं मिले ना, हम क्या कहते हैं बोले दिन भर आज हमने रोटी का मुंह ही नहीं देखी है, हाय रोटी हाय रोटी। भैया अगर रोटी में इतने आनंद हो, भगवान की कथा में कितना आनंद है। इसलिए भगवान नारद जी भगवान कृष्ण से उन्होंने वर मांगी, बोले प्रभु हमें ये वरदान दो जितने कथा सुने जैसे किसको तृप्ति नहीं हो, मतलब जितना सुने ऐसे लगे और सुने और कथा सुने और कथा सुने, हाँ जैसे कथा सुनकर किसको तृप्ति नहीं होनी चाहिए। क्या उसमें करंट है किसमें, तो उसको पास में तुमको बैठ लो, दूर में बैठो ना माता जी, वहाँ पर किसी ने बैठ लो, दूर में बैठो करंट है तुमको लग गए, नहीं ठीक है बैठो ठीक है, क्या तुमको शरीर में लगना कहाँ पर लगे चेक कर लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इसलिए भगवान की कथा सुन करके किसको कभी तृप्त नहीं होता। माता जी इधर सुना, दूर में बैठो, कोई कारण नहीं, बिना कारण से तुमको डिस्टर्ब कथा कर लेती, पीछे सबसे आप पीछे बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए भगवान की कथा सुनकर के किसको कभी तृप्त नहीं होता है, जितने सुने लगता है और सुने और सुने और सुने। इसलिए भागवत में श्री पृथु महाराज भगवान बोले बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए, बोले ठाकुर जी मेरे को 1000 कान दे दो। बोले 1000 कान क्या करोगे, 2 कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ 2 कान हो जाए, यहाँ भी 2 कान, अगर शरीर में कान ही कान अच्छी लगेगी थोड़ी नहीं लगेगी। इसलिए कहते ठाकुर जी 10,000 कान मतलब ऐसे नहीं 10,000 कान दे दो। बोले फिर क्या चाहते हो, बोले दोनों कानों में इतने शक्ति दो कृष्ण कथा सुनने की, 10,000 कानों में जितने शक्ति 2 कानों में उतना शक्ति दे दो है, जैसे दिन भर तुम्हारी कथा सुनते ही रहे। दूसरा कारण बताए जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, भैया और भी तो कहीं कथा होती होगी ना, कहते कहीं की कथा मेरी चूक नहीं जाए, जहाँ जहाँ कथा होती है मैं चाहता हूँ उतना रूप लेकर के सब जगह में कथा सुन। अब हनुमान जी का नाम जानते हो, जानते हो हनुमान का नाम कौन कौन जानते हो, सब जानते हो। देखो एक सुंदर कथा सुन लो, बोले भगवान राम हनुमान को कहते थे, बोले हनुमान बेटा बीच बीच में साधु संघ में जाया करो। हनुमान जी बोले प्रभु साधु संघ क्यों करे, साधु संघ में क्या होता है, यही तो बोलते हैं ना ठाकुर का नाम लो ठाकुर को सेवा करो, ऑलरेडी मैं तो तेरे भजन कर रहा हूँ तेरे सेवा कर ही रहा हूँ। बोले हनुमान जी जब तू सत्संग में जाओगे, जो तुम भजन कर रहे हो जो सेवा कर रहे हो ना उसमें 4 चांद लग जाते हैं, इसलिए हनुमान बीच बीच में सत्संग में जाया करो। अभी रोज भगवान हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी ने सोचा एक बार सत्संग में जाकर देखता हूँ, काग भुसुंडी नाम सुनोगे वो हिमालय वो नीलगिरी पर्वत के ऊपर में भगवान राम की कथा सुनाते हैं,
जहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग सब के सब बैठ करके प्रभु की कथा सुनते हैं। इतने में हनुमान जी गए और बैठ गए, कथा सुनने लग गए। वो रामायण सुना रहे थे और रामायण में ये सुनाए, जब माता सीता को रावण ने उठा करके ले गया, हनुमान को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट रावण, मेरे माँ को तुमने उठा करके ले आए। इतने में हनुमान जी एक छलांग लगाया और समुद्र को पूरा पार कर गया और देखा वहां पर माता जानकी राम का विरह में बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई। हनुमान को क्रोध आया, हनुमान जी कौन है, ये शंकर जी स्वयं है। इसलिए रुद्र देहत जी नेह बस वानर भाई हनुमान। शंकर जी ने जब देखा ये शंकर स्वरूप से मैं प्रभु राम की सेवा नहीं कर सकता हूँ, शंकर जी प्रेम में बसीभूत होकर, उसके इको कम करो, प्रेम में बसीभूत होकर के शंकर जी स्वयं हनुमान बनकर के आए। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र को खोला, खोलते ही पूरा लंका को जला करके राख बना दिया। जब काकभूषण ये कथा सुना रहे थे, हनुमान जी खुद बैठे हुए, हनुमान के मन में तो शंका आ गया, बोले ये क्या कह रहे हैं, उल्टा पुलटा में हनुमान खुद बैठा हुआ। रामायण आप लोग देखे होंगे, जब हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, देखना बीच में एक राक्षसी आ गई, फिर और एक राक्षसी छाया को पकड़ ली है, बड़े कष्ट से लंका में पहुंचे, फिर लंकिनी घुसने नहीं दे रही थी, हनुमान एक मुक्का मारे तो छक्का छुड़ा दिया। उसको बाद में अंदर में गए, विभीषण से भेंट हुई, फिर विभीषण बताया जाओ माता जानकी अशोक वाटिका है ना। फिर उन्होंने भोजन करने के लिए गए तो फिर इंद्र जी तो बांध करके ले गए, पूछ में कपड़े बांध करके मिट्टी का तेल डाल कर जब आग लगाए, उन्होंने लंका को जलाया, इतनी सारी बात। लेकिन उन्होंने बोले क्या छलांग लगा कर पहुंच गए, तीसरे नेत्र खोले तो लंका को जला दिया। हनुमान के मन में तो बड़ा शंका आ गया। जब उन्होंने वापस आए, भगवान ने राम ने पूछा, बोले क्यों हनुमान जी, कथा सुनी कि नहीं, सत्संग सुनी कि नहीं। लेकिन हनुमान के मन में तो शंका आ गई है, ये कैसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन प्रभु राम सब जानते, घटघटवासी सब जानते हैं, बोले हनुमान जी कथा सुनी, बोले इतने प्यारी कथा सुनी, कभी जिंदगी में ऐसी कथा सुनी ही नहीं। मन में शंका हो गया ना, मैं हनुमान हूं। इतने में भगवान राम को पता है हनुमान एक बार नहीं, ब्रह्मा एक नहीं, शंकर एक नहीं, हजार हजार शंकर, हजार हजार ब्रह्मा, हनुमान भी हर अवतार में हनुमान जी आते हैं, इसलिए हनुमान भी बहुत है। इतने में भगवान राम ने अपना अंगूठी में एक मुद्रिका थी, जब निकाल रहे थे वो नीचे गिर पड़ा, नीचे गिरा तो बोले हनुमान जी उसको उठा करके दो। हनुमान के मन में ये भी अभिमान था, सबसे ज्यादा तेज भागने वाला मैं हूँ। लेकिन बोले मुद्रिका को उठा करके दो, तो जो वो मुद्रिका को उठाने के लिए गए, वो मुद्रिका भाग रहा था, हनुमान उसको पीछा कर रहा था, लेकिन मुद्रिका पकड़ नहीं पा रहा था। ऐसे करते 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 वो मुद्रिका जा करके एक पर्वत में पहुंचे और एक गुफा में चला गया। हनुमान जी अंदर में जाकर जब गए, देखा एक बंदर बैठा हुआ, बोले कहाँ जा रहे हो, तेरा नाम क्या, बोले हनुमान जी, बोले हनुमान जी कितने कमजोर, अरे हमारे हनुमान जी कितने बड़े विशाल काय हनुमान जी, तुम तो इतने छोटे से हनुमान जी। हनुमान तो शंका में पड़ गए, बोले भाई और कहाँ से हनुमान आ गया, मैं तो एक ही हनुमान ही कहाँ से आ गए, बोले आपका हनुमान जी को मैं मिल सकता हूँ। तो उन्होंने गए अंदर में, बोले कि छोटा सा हनुमान कहाँ से आया, वो परिचय कहता मैं हनुमान जी हूँ, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनको बुलाए, बोले जाओ उनको बुला करके लाओ। जब लाए, इतने में वो दोनों हनुमान मिले, देखा विशाल काय हनुमान जी, विशाल हनुमान जी, और बैठ बैठ करके जिनकी रोम रोम से, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
अभी दोनों हनुमान मिले, वो जो बड़ा हनुमान था बोले देख हनुमान, वो जो काव्य भुसुंडी जो कथा सुना रहा था ना, वो एक कल्प नहीं कितने कल्प से वो बैठा हुआ है। भगवान राम एक बार नहीं आए, भगवान राम ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान राम जगत में आते, भगवान राम आते ही वो जो हनुमान की कथा सुना रहे थे, मेरी कथा सुना रही थी उसी समय भगवान हमें इतने शक्ति प्रदान की थी, मैं जो एक छलांग लगा करके पहुंच गया लंका में और अपना तीसरा नेत्र खुला तो लंका को मैंने जला करके राख बना दिया। देख बेटा कभी भी काग भूषण की कथा को अविश्वास नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक बार हनुमान नहीं आए, एक बार प्रभु राम, एक बार कृष्ण नहीं आए, कितने बार प्रभु राम आए, कृष्ण कितना बार आए हैं, उसी समय मैंने आया था। बेटा कभी कथा में शंका नहीं करना, जा वो मुद्रिका वहां से ले जाओ। जो वहां पर गए देखा एक सा बहुत सारी अंगूठी है, वो फिर चक्कर में पड़े गए, बोले प्रभु इतने सारे, बोले देखो जब जब किसी हनुमान के मन में शंका आती है ना, ठाकुर जी उसको यहीं पर भेजते हैं। अरे हनुमान जी प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया, बोले मैं तो सोच रहा था मैं सब कुछ जानता हूँ, अभी पता चलता मैंने कुछ भी नहीं जानता। इसलिए श्री वाल्मीकि जी कहते हैं बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। अब देखना जब राम की कहीं कथा हो ना, सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर लगता है, क्योंकि कथा के सबसे पहले राम कथा की सबसे बड़ी रसिया। भैया इसके माइक में ठीक नहीं, ये इको बहुत ज्यादा है, इको कम कर और साउंड तेज करो। इसलिए कहीं भी राम कथा होगा सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर लगता है, क्योंकि राम कथा की सबसे बड़े रसिया, तो तेज करो उसको, सबसे बड़े जो रसिया कौन है, श्री हनुमंत लाल जी। अगर हजार करोड़ जगह पर अगर राम की कथा हो, हनुमान जी करोड़ रूप धारण करके सबसे पहले जाएंगे, जाकर बैठ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, जहां कथा होती है, जैसे इनके घर में कथा हो रही है, जहां पर कथा होती है कद पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर बैठ जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया वहीं पर आकर के बैठ जाते हैं सबके सब। जितने बड़े बड़े देवता लोग भी आकर कथा सुनते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आकर के जहाँ भागवत कथा हो, ये सबके सब बैठ करके वहीं पर ये भागवत कथा सुनते हैं। इसलिए हनुमान जी जाकर के ध्यान देकर सुनो कथा कैसे सुननी चाहिए, वो आकर के ऐसे नहीं बैठ जाते हैं, आकर के जहाँ पर कथा होती है वो स्थान को पवित्र पहले वो प्रणाम करते हैं। कल सुन रहे थे ना, स्वयं प्रयाग तीर्थराज प्रयाग गंगा जमुना सरस्वती, वो क्या कर रही थी कथा में, लौट पोट खा रहा था, क्यों, बोले जितने पापी सबके सब स्नान करके पाप छोड़ करके चले जाते हैं, वो पाप से मुक्त कैसे होगा, जहाँ पर कथा होता है वहीं पर लौट पोट खाता है, पाप शरीर का सारे पाप चले जाता है, फिर पवित्र होकर के सबका पाप को ग्रहण करता है। हनुमान जा करके जहाँ कथा होती है वहां पर जा करके सबसे पहले कथा स्थान को प्रणाम करेगा, और कथा जितने सुनते हैं सबको प्रणाम करेगा, कथा जो बोलते हैं उनको प्रणाम करेगा, और हाथ जोड़ करके गदगद होकर के हनुमान जी आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए हनुमान जी प्रतिज्ञा की, आज से मैं रोज कथा सुनने जाऊंगा। जैसे आप लोग घर घर में रोज झाड़ू बुहारी लगाते कि नहीं, आप देखना एक दिन अगर तुम घर में झाड़ू बुहारी नहीं लगाओगे ना, घर मैला हो जाता है, हो जाता कि नहीं, रोज झाड़ू बुहारी, रोज स्नान करते कि नहीं, रोज कपड़ा बदलाते कि नहीं, तो उसी तरह कि जो रोज हम जब कथा सुनेंगे ना, जैसे कि पौधा तुलसा है, अगर रोज पानी नहीं देंगे तो पौधा की सूख जाएगी, अगर हम रोज अगर कथा सुनेंगे हमारी जो भक्ति है ना वो हरी भरी रहेगी, भक्ति कभी नीचे जाएगी नहीं, हर समय भक्ति हमारी बढ़ते रहेगी। इसलिए यहाँ पर कहते कथा कौन सुन सकते हैं, बोले पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं,
और ये ज्ञानी से ज्ञानी भी ये कथा को सुन सकते हैं। मुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अभी से सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत कथा प्रारंभ करते हैं तब उन्होंने तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण करते हैं। बोले मंगलाचरण मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले अगर ठाकुर जी को स्मरण करते हुए संतों को गुरु जी को प्रणाम करते हुए कोई भी तुम काम करोगे कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रारंभ करते हैं कहते उन्होंने पहले नमस्कार करते हैं, हैं? पहले नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं सबको। बोले जन्मादस्य जतोन्नयादितरतश्च स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मोहंति जत सूरयो तेजो बरी मृदम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्यामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक में उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। बोले किसको प्रणाम करते हैं? बोले भागवत ग्रंथ का जो इष्ट है। बोले भागवत का इष्ट कौन है? बोले भगवान स्वयं बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। भैया तो थोड़ी सी तेज करना, क्या डर लगता है तुमको? इसलिए थोड़ा खोलो उसको। इसलिए पहले उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रणाम करते हैं। बोले ये कौन है, ये कौन है ये बांके बिहारी? बोले जन्मादस्य जत। आप लोग माताएं थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ जाओगे, जो पीछे आएगा ना बैठ सकता है। एक एक माताएं तो दो दो माताओं का जगह लेकर बैठी है, लेकर बैठी है, कोई हमारे पास में कोई नहीं आनी चाहिए। तो आगे आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ जाओ, फिर पीछे जो आएंगे वही बैठेंगे। आगे आओ, कोई खिसक नहीं रहे, क्या चक्कर है, बर्फ जैसे जमने लगता है। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, सटर करके बैठो, जगह कम है। जो पीछे माताएं बैठी हुई आपको, आप क्यों नहीं आ रहे हो? आज आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, एकदम घिस घिस करके बैठो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री बांके बिहारी की जय। बढ़ना नहीं आता है, क्या चक्कर है? इसलिए उन्होंने श्री बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं। बोले भैया ये बांके बिहारी क्या है? बोले जन्मादस्य जतः। बोले इनकी कृपा से ही ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, इनके आशीर्वाद से शंकर जी संहार करते हैं, और इनके आशीर्वाद से भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। यही जगत का सृष्टि स्थिति पालन करने वाले सर्वप्रथम भगवान ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में सर्वप्रथम बंसी ध्वनि के द्वारा उन्होंने ये गोपाल मंत्र प्रदान करते हैं। इनकी कृपा से ही ब्रह्मा ये गोपाल मंत्र को प्राप्ति करके जगत को उन्होंने सृष्टि किया है जगत को, और सृष्टि करके फिर भगवान की कैसे माया है, बोल अद्भुत माया भगवान की, जिनकी माया से बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। हम आगे सुनेंगे कैसे ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और सखाओं को उन्होंने चुराया। सोचा कोई साधारण बालक होगा, लेकिन जब पता चला भैया मेरे प्रभु ये जिसने कृपा करके हमें ये ब्रह्मा पद को जिन्होंने प्रदान किया है तो मेरे प्रभु है, फिर उन्होंने बड़ी नाक रगड़े भगवान के चरण में ब्रह्मा जी हैं। फिर इंद्र हम आगे सुनेंगे भगवान को पहचान नहीं पाया, 7 दिन तक उन्होंने बारिश ही बरसाया। ठाकुर जी ने क्या किया, एक हाथ में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की। इसलिए जिनकी माया में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं ऐसे ठाकुर जी की माया है। बोले एक समय ठाकुर जी द्वारका में अपना रानियों को साथ में बैठे हुए थे, पट रानियों को साथ में। नारद जी गए थे स्वर्ग में, जब स्वर्ग से आए उन्होंने एक पारिजात फूल लेकर के आए थे और उन्होंने कृष्ण को हाथ में पकड़ा दिया। बोले कृष्ण
तुम्हारी रानियों में जो सर्वश्रेष्ठ रानी तुम ये भूल गए हो। बोले हे भगवान, कहाँ से झगड़ा लगाने के लिए आ गए नारद? क्योंकि कृष्ण जब जब जिस जिस रानी को पास में रहते हैं ना, कृष्ण कहते सत्यभामा मैं तेरे को जितने प्रेम करता हूँ और किसी को इतना प्रेम नहीं करता। जब रुक्मिणी को साथ में रहते बोले सबसे ज्यादा तेरे को मैं प्रेम करता हूँ। जब कालिंदी को साथ में कहते हैं बोले कालिंदी तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ ना और किसी को इतना। कृष्ण ने देखा सारे भैया सर भार बड़ हो जाएगा, कहते जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर दो उसको दो, अगर एक को नहीं देकर एक को दो ना दूसरे तो मुंह बुलाकर बैठ जाए। इतने में कृष्ण थे चिंता में पड़े। नारद बोले प्रभु मेरे पास में समय नहीं, जल्दी जल्दी दो मैं जाना चाहता हूँ। बोले देखो फिर लड़ाई कर रहे हैं। तो पास में सबसे जो बड़ी रानी है रुक्मिणी, सबसे पहले उन्होंने रुक्मिणी को शादी किया। पास में बैठी हुई थी रुक्मिणी, बास रुक्मिणी को फूल पकड़वा दिया। वहां पर थे सत्यभामा, ये सत्यभामा राधा जी की अंश से ही सत्यभामा है। इतने में सत्यभामा को इतने क्रोध आया वो तो प्यार पटकती हुई क्रोध करके तमतमाते हुए ना चली गई मान कर। कृष्ण देखा नारद जी देखा लड़ाई लगा दी। इतने में नारद कृष्ण मनाने के लिए गए, सत्यभामा ऊपर जो हाथ रखना हाथ को फेंक दे। बोले जैसे आप ऊपर काले अंदर में भी काले, मेरे को कहते थे तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ किसको इतना प्रेम। अभी सारा दुनिया को पता चला ना किसको ज्यादा प्रेम करते हो, हैं सब तो बोलेंगे रुक्मिणी को ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। कृष्ण ने बोले देखो सत्यभामा एक फूल के लिए इतना क्रोध करते हो, अरे मैंने उसको इसका इको कम करो, इसलिए मैंने तो इसको एक फूल दिया, तेरे लिए तो मैंने स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष उखाड़ करके ले आऊंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं देखा मेरे लिए पेड़ ले आएंगे, ज्यादा चापुरा से मत क्या करो जाओ। इतने में कृष्ण वाला तुम इसको झूठ क्यों मानते, चलो मेरे साथ। बोले चलो। बस उन्होंने सत्यभामा के गरुड़ों को पीठ पर बैठा है स्वर्ग में गए। जा करके इंद्र से बोला देखो मेरी पत्नी सत्यभामा मान की है, मेरे को एक पारिजात का पेड़ चाहिए। इंद्र बोले क्या पारिजात का पेड़, ये स्वर्गों का इतना महत्व क्यों? ये पारिजात वृक्ष केवल स्वर्ग में और कहीं नहीं, इसीलिए तो इस स्वर्गों की इतने महत्व। अगर ये पारिजात वृक्ष अगर चला गया मरते जगत में स्वर्ग का क्या महत्व रह जाएगा, कोई पारिजात पारिजात वृक्ष नहीं मिलेगा। कृष्ण बोले अगर तुम नहीं दोगे फिर मैं अपना पराक्रमों को मैं दिखा करके ले जाऊंगा। इतने में कृष्ण उन्होंने अपना पराक्रमों को दिखाया, एक साथ में ये 33 करोड़ देवता भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान उठाया अपना सुदर्शन चक्र, उठाया अपना सारंग धनुष, उठाई 33 करोड़ देवता को मार मार कर भगा दिया उनको। भगा करके देखते देखते उन्होंने वहां से पारिजात पेड़ को उखाड़ लिया, उखाड़ करके लाए और सत्यभामा के घर को सामने लगा दिया। ए सत्यभामा खुश हो गए और सब रानी को बुलाए, निमंत्रण घर में दिया। बोले क्यों? बोले तुम लोग ये मत समझो कृष्ण रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, अरे रुक्मिणी को तो एक फूल दिया, देखो मेरे लिए उन्होंने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को लेकर के आ गए। इसलिए यहाँ पर कहते मुह्यन्ति यत सुरयो, भगवान क्या कहते जिनकी माया में बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया में मोहित तो हो जाते हैं, कहते ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, हम ऐसे भगवान कृष्ण को हम सबके सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उन्होंने प्रणाम की तब हमारी रस्सी की टीकाकार कहते हैं क्या उन्होंने केवल कृष्ण को प्रणाम किया? बोले नहीं, बोले सत्यं परम अधिमयी, भगवान की जो पराशक्ति श्री राधा रानी, उन्होंने राधा रानी का चरण भी उन्होंने प्रणाम किया है। क्योंकि आप वृंदावन में जाओ ना, आप देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो और जोर से, सब श्री राधा रानी का नाम लेते। बोले क्यों? कारण क्या? इसलिए कहते हैं ना बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बोली वाली चल बिहारी, राधा रानी बोली वाली चल बिहारी, राधा रानी गंगा तो धारे बिहारी, राधा रानी गंगा तो धारे बिहारी, बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी की जय। यहाँ कहते हैं ये श्लोक में श्री राधा रानी को भी वंदना करते सिखा देते हैं अकेला कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए बोले अकेला माधव पूजय सो अज्ञान, जो अज्ञानी है ना वो अकेला कृष्ण पूजा करते हैं, हैं? लेकिन जो विज्ञानी है बुद्धिमान और राधा रानी को साथ में कृष्ण को पूजा करते हैं, इसलिए बोले राधा के बगैर कृष्ण आधा है, इसलिए कहते जा पी राधा सा पी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधांग भिरना, राधा माधव स्वरूपम, बोले जो राधा वही कृष्ण है, जो कृष्ण वही राधा, राधा कृष्ण एक ही, केवल लीला करने के लिए वो दो राधा कृष्ण रूप धारण किए हैं, इसलिए उन्होंने श्री राधा जी के चरण में उन्होंने प्रणाम किया है, इसलिए कहते जो दूसरा जो श्लोक ये प्रतिज्ञा लेता है, बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, बोले धर्म प्रोचित कैतव अत्र, कहते इसमें तीन बार अत्र, अत्र मतलब ये श्रीमद् भागवत में है क्या चीज, बोले जो वास्तव जो धर्म है ना केवल ये भागवत में और किसी में भी नहीं है, इसलिए हम आगे सुनेंगे व्यास देव जी ने बहुत सारे ग्रंथ पर रचना की लेकिन उनको शांति नहीं मिली, लेकिन ये शांति कब मिली जब उन्होंने भागवत लिखी, इसलिए कहते अगर धर्म किसी ग्रंथ में है ये भागवत में ही असली जीविका धर्म, जिसमें कोई कपट का धर्म नहीं, जिसमें कोई कपट धर्म नहीं, जीव की जो शुद्ध धर्म भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा करना है भक्ति, केवल भागवत में, जहाँ धर्म अर्थ काम यहाँ तक तो मुक्ति को भी यहाँ से उन्होंने निकाल दी, बोले वेद्यम वास्तवम मत्रम, बोले भागवत में वास्तव सत्य जो भगवान है इनकी बात लिखी गई, बोले जो तीसरे अत्र में बताए, बोले सत्य हृदय अवरुद्ध अत्र, देखो ध्यान देखो सुनो ये भागवत की कितने महिमा हैं, कि जैसे तुम घर में बैठे हो, पता चला हमारी संकुत सकुतला जी घर में भागवत कथा हो रही है, अभी घर में बैठे अभी तक आए नहीं, अगर तुमको इतनी पता चली गई, अगर इच्छा हुई भैया भागवत इनके घर में हो रही है चलो हम कथा सुनने जाएंगे, नहीं तो जाऊंगा, केवल इतना अगर किसकी इच्छा हो गई ना, ठाकुर जी आ करके जैसे एक व्यक्ति किसकी घर में अपने आप जाए, अंदर से अपने आप को कुंडी बंद कर दे, ऐसे ही बांके बिहारी उसके हृदय में जा करके इच्छा मात्र से ही उसके हृदय में बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी निकल नहीं पाते हैं, कहते अगर सचमुच से अगर कोई घर से आकर के यहाँ बैठ कर कथा सुन लिया, सुखदेव गोस्वामी कहते उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, वो देवता से भी बड़े हैं, क्योंकि देवताओं को भी ये भागवत कथा सुनने की मौका नहीं मिलता है, इसलिए देवता लोग भी भारत में जन्म लेकर के ये भागवत कथा को सुनना चाहते हैं, इतने महिमा, इसलिए कहते भैया कथा को कौन सुन सकता है, बोले शुश्रूषोगी, शुश्रूषोगी मतलब जिनकी कोई करोड़ों करोड़ों जन्म का जब किसको पुण्य उदय हो ना तभी कथा सुन सकते हैं, अगर कोई बोलेगा भैया हमारा तो कोई पुण्य नहीं हम तो पापी पापी, बोले चिंता मत करो आओ कथा में बैठ जाओ,
बैठ करके केवल कथा सुनना सुंदर दो, बस सुनते सुनते ही पुण्यात्मा अपने आप तो बन जाओगे। कल सुन रहे थे ना, अंजन में एक फेरी वाला एक घंटा कथा सुन लिया तो क्या हुआ, स्वर्ग गया, एक घंटा स्वर्ग गया, और वही कथा सुनते सुनते सीधा ठाकुर जी के पास में चली गई। केवल बैठ कर कथा सुना, बोले भैया कथा कौन सुन सकते है, किसके लिए ये भागवत धर्म है। कहते भैया जिसके हृदय में कोई मात्सर्जन है, जिसके हृदय में कोई मात्सर्य समझते हो, ईर्षा द्वेष जिसका हृदय में नहीं, दूसरे की भलाई देख करके जो सहन नहीं कर पाता है, इसको कहते मात्सर्य। इसलिए कहते ना दूसरों को भलाई भलाई नहीं कर सको, किसको कभी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जिनके हृदय में कोई मात्सर्य नहीं, वही व्यक्ति वही उसी के लिए ही ये भागवत धर्म है। इतना बड़ा प्रतिज्ञा ये भागवत ग्रहण करता है, इच्छा मात्र से ही उसको भगवत प्राप्ति ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं। और तीसरा जो भागवत का श्लोक कभी आशीर्वाद देता है, बोले क्या आशीर्वाद देता है, बोले आप जो कथा सुन रहे हैं ना वो कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्ष पर नीचे बैठे। कल्प वृक्ष मतलब कल सुन रहे थे ना, अगर सही सही सात दिन कोई सुने मन लगा करके और नियम पूर्वक कोई सुनेगा ना, आप जो मांगोगे भागवत से सात दिन में ये भागवत तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी कर देगी। यहाँ तक भी दुनिया का इच्छा तो पूरी कर ही देगी, यहाँ तक ठाकुर जी के चरण को ये प्राप्त करा देने वाले श्री भागवत है। ठाकुर का प्रेम सेवा भगवत धाम में है, ये भागवत कथा सुन करके भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। बोले कल्प वृक्ष क्या, देखो गुरु जी कहते थे कल्प वृक्ष मतलब सुनो, बोले एक समय कोई राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, चलते चलते बड़ी दूर तक चला गया, शाम हो गया, भूख फट रहा था, प्यास मारी भूख तुम्हारी, एक वृक्ष को नीचे बैठ गया, उसको पता नहीं था ये कल्प वृक्ष है। अभी शाम हो गया, प्यास लग रहा है, छाती फट रहा है, वो सोच रहा था अगर मैं राजमहल में था ना, रानी कितने सुंदर जूस पिला दी महाराज को, यहाँ कौन पिलाएगा। लेकिन जब इच्छा की ना, वो वृक्ष था कल्प वृक्ष, इतना सोचते स्वर्ग से बड़ी सुंदर सुंदर अप्सरिया, बड़ी सुंदर सुंदर अनानास के जूस, मौसम जूस, एप्पल का जूस ले आए। बोले महाराज पियो, बोला इच्छा करते आ गया। फिर सोचा अगर मैं राजमहल में होता, रानी थाला में सजा करके छापन भोग और छत्री से व्यंजन ले आती, तो इच्छा करती स्वर्ग से अप्सरिया उतर। बोले महाराज लो भोजन कर। बोले भैया जो बोलता हूँ वही मिल जाता है। बोले अगर मैं राजमहल में होता है ना, गजदंत पलंग के ऊपर में फैन झांक जैसे मुलायम डल्लभ गदी के ऊपर विश्राम करता, बोलते ही डल्लभ गदी। बोले जो इच्छा करता हूँ वही आ जाता है, हैं? इसको कहते हैं कल्प वृक्ष, जो मांगो वही इच्छा पूरी करेगी। लेकिन था जंगल, जंगल था तो उसने इतने में एक शेर ने दहाड़ मारी। बोले भैया ये शेर कहाँ से आ गया, दहाड़ मार रहा है। इतने में सोचा भैया शेर नहीं आ जाए, कल्प वृक्ष है ना, जो मांगो वही मिलेगा, शेर नहीं आ जाए। सचमुच शेर का सामने आ गया, बोले ये खा नहीं जाए, झपटा और उसको खा गया, ये कल्प वृक्ष। लेकिन भागवत को ऐसे मत समझो, ये भागवत बोले माँ, ये भागवत हमारी माँ। अगर बच्चा माँ को बोले बोले मैया मेरे को विष दे, मैया विष देगी, मैया बोले बेटा विष क्या, बोले खाऊंगा, मारेगी थप्पड़, बोले विष कोई खाने का, चिल्ले लड्डू खा ले, ये लड्डू खा, रोटी खा, सब्जी खा, मैया कभी विष नहीं देती है। ये भागवत ये माँ है, ये कभी भी हमारी अपकार, कभी भी ये हमारी अमंगल नहीं सोचेगी, हमारे जिसमें कल्याण होना ये भागवत हमें वही देगी, ठीक है ना। इसलिए भागवत से ऐसे एक चीज मांग लो, जो एक चीज मांगोगे जीवन में सब कुछ तुमको मिल जाएगी। जानते हो एक चीज क्या है, बोले ठाकुर की सेवा, ठाकुर जी के चरण की भक्ति मांग लो। अगर भक्ति धन आ गई ना, सब धन तुम्हारे पास में आ जाएगी। भक्ति हो गई मतलब क्या है, भगवान तुम्हारी प्रेम में बसीभूत हो। जैसे हनुमान जी, भगवान राम बोले बेटा बर मांगो, हनुमान जी क्या कहता है, बोले बार बार बर मांगो, हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। बोले ठाकुर जी हमें तुम्हारी चरण की भक्ति सेवा और तुम्हारी भक्ति सेवा दो, सतों का संग। बताओ हनुमान को क्या नहीं मिला, बोलो
बोलो क्या नहीं मिला? हनुमान के घर घर में पूजा करते ना, हनुमान को मांगते धन दौलत पुत्र परिवार बेटा बेटी हनुमान सब दे देते। कहाँ से लाते? कोई फैक्ट्री लगाया हनुमान ने? हाँ, बहुत बड़े फैक्ट्री लगाया। बोले किस चीज की बल पर देते हैं? बोले प्रभु की भक्ति की बल पर। अगर तुम्हें कि भक्ति मिली गई समझो, जीवन में सब कुछ मिल गया, ठाकुर स्वयं मिल जाए, जब ठाकुर जी तुमको मिल गए, सारा दुनिया तुमको मिल गया, सारा दुनिया तुम्हें मिल गया। इसलिए भागवत से क्या मांगो? भगवान की भक्ति प्रेम की सेवा मांगो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए बोले भैया ये भागवत को कौन सुन सकता है? बोले केवल दो व्यक्ति सुन सकते हैं। बोले कौन है? बोले रसिक और भावुक, यही लोग ही कथा सुन सकते हैं। हैं? इसलिए कथा कहाँ सुननी चाहिए? बोले भूमि, भूमि मतलब ये पृथ्वी लोक में ही ये कथा रस जो है ना, ये पृथ्वी लोक में ही ये कथा भागवत कथा रस है। इसलिए बोलना स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठ नास्ते अमरस, ये स्वर्ग में भी नहीं, ब्रह्मलोक में भी नहीं, शिवलोक में भी नहीं, यहाँ तक भी वैकुंठ लोक में भी ये वृंदावन की कथा, राधा कृष्ण की कथा, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की कथा होती होगी, लेकिन भगवान राधा कृष्ण की प्रेम सेवा यहाँ पर भी वहाँ पर भी नहीं, कहाँ पर? ये मर्त्य जगत में ही ये कथा उपलब्ध है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो ये भागवत कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एक बार भागवत की जयकार बोलो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। ये माइक को थोड़ी तेज कर सकते हो? वो तेज उसको आता ही नहीं, तेज कैसे करना है? तो जो तुम जाओ, थोड़ी सी उसको थोड़ा तेज कर दो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय सूरतिया समाए गई समाए गई समाए
जय जय श्री राधे। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अभी ये घोर कलियुग आया है। अभी ये कलियुग को देख करके सौनकाद ऋषि लोग डर गए। बोले ये कलियुग कैसे है? बोले प्राप्ते कलियुगे घोरा नरा पुण्य विवर्जिता। बोले कलियुग आने पर लोग कैसे हो जाएंगे? पर लोग धर्म कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म से सब के सब चुत रहेंगे। सत्य वार्ता परान मुखम, लोग सच नहीं बोल करें, लोग झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे। बोले दुराचार रता सर्वे, सब के सब दुराचार में रत हो जाएंगे। इसलिए ये कलियुग को देख करके कहते श्री सौनकादि श्लोक पितामह ब्रह्म। कोई काम नहीं, कहीं पर फट लेने का तुम्हारी की है, चुपचाप बैठ कर कथा सुन, तो पीछे बैठना। इसलिए कलियुग आने पर लोग सबके सब पापी हो जाएंगे। इसलिए सौनकादि ऋषि लोग बड़े दुखी होकर के ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले ये कलियुग से हम बचेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना वही बड़ा पवित्र स्थान है, वहीं बैठ करके भजन करना। और वहीं बैठ करके सौनकादि ऋषि लोग हजार सालों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ये यज्ञ से जीव का कलियुग के जीव के कल्याण नहीं। यज्ञ से सामने धुआं, यज्ञ में बैठेगी नहीं, यज्ञ में आग की लपट निकलता है, धुआं निकलता है। इसलिए जो आनंद है भगवान की कथा में, भगवान की कीर्तन में है, जैसे यहाँ पर कथा सुन रहे हो, दो दो तीन तीन घंटा बैठ जाओ यज्ञ में, 10 मिनट बैठ कर आग की लपट निकले, धुआं निकले, सब घर में भाग जाओगे। लेकिन यहाँ पर कीर्तन हो रही है, कथा हो रही है, मन उसमें लग जाती है, मन को आनंद भी लगता है कीर्तन कथा से। यज्ञ से मन को थोड़ी आनंद मिलेगा, स्वास वास किया और भाग गए। इसलिए इनके मन को शांति नहीं मिली, मानो इनका हृदय तक भी जल गई है। अभी उनको शांति नहीं मिली। जब श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए, सौनकादि ऋषि लोग उनका आसन दे करके बैठाए, बोले आज हमारे भाग्य उदय हो गया। कहते ये कौन है? बोले ये उग्र सभा सुत, मतलब कहते जो एक बार सुन लेना कभी ये भूलते नहीं। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा कर रहे थे, ये सुत मतलब होता है जो छोटे जाति में जन्म ग्रहण किए हैं, इसलिए ये रथ चालक को सुत कहते। महाभारत देखे होंगे, अर्जुन और भीम कर्ण को बार बार सुत पुत्र बोल करके टोंटी करते थे, चुप बढ़िया सुत पुत्र हैं, क्योंकि छोटे जाति के। लेकिन देखो भगवान की भक्ति में ना, कहते जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं। बताओ हनुमान जी कौन से जाति में जन्म लिए? हनुमान खुद कहते हैं मैं ऐसे जात में जन्म लिया जो सवेरे उठ करके मेरे नाम और मेरे मुंह देख लेना बंदर की, तुमका दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन देखो प्रभु की भक्ति की महिमा देखो, भगवान राम की महिमा देखो, ऐसे नीचे जाति के व्यक्ति को भी ठाकुर जी अपनाया, हमें अपना सेवा की, सेवा दिया, चरण की हमें सेवा प्रदान की। इसलिए बताओ सबरी कौन से जाति में जन्म ली? छोटी जाति में, भील जाति में, ठाकुर जिसका झूठा बेर खाए। इसलिए बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ कहते गुह का चंडाल कौन सा जाति में? चंडाल कुल में। सुग्रीव कौन से जाति? बंदर जाति में। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म हुए, विभीषण राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन जब राम दरबार लगता है भगवान राम उसको बराबर आसन में बैठाते, उसको कितने आदर देते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोग कह रहे हैं आज हमारे भाग्य जग गया। बोले क्यों? आज इतने बड़े ये सुत गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे, सबसे पीछे सबसे कोने में हाथ जोड़ कर बैठे हुए थे, लेकिन संपूर्ण रूप में ही अगर भागवत कथा को किसने सुने और हृदय में धारण किया ना, ये सुत गोस्वामी समस्त ज्ञान को उन्होंने आहरण किया। बोले आहरण कैसे हुई? बोले ब्रूही सिद्ध शिष्य। अगर शिष्य का हृदय अगर कोमल हो,
हृदय का अगर उठ के निष्कपट हो, हृदय अगर सरल होना, कहते वहीं पर ये सारे शास्त्र तत्व ज्ञान वहीं पर ही प्रकाशित होता है। अगर कोई कपट होना, ऊपर एक और दूसरे ऊपर दिखा रहे हैं एक, भैया उनको ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण बंसुरी क्यों बजाते हैं? बोले बंसुरी में दो गुण है, एक तो अंदर में पोला, दूसरी कृष्ण जैसे चाहते हैं वो ऐसे ही बजती है। अगर हमारी अगर बंसी जैसे दो गुण अगर हमारी अंदर में आ जाए ना, देखना कृष्ण बंसी को कभी छोड़ते हैं, कभी हाथों में, कभी अधर में, कभी कमर में, बंसी को कभी नहीं छोड़ती हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में मैं और राधा नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके आऊंगी। देखो ये बंसी ने कहां एक पेड़ का लकड़ी बांस का एक टुकड़ा है, लेकिन देखो कृष्ण कभी छोड़ते नहीं। और हम गोपी कृष्ण गोप, कृष्ण की अधरामृत में हमारी अधिकार, लेकिन देखो बंसी हमें अपना अंगूठा दिखा दिखा कर सारे रस को वही चूस रहा है। कृष्ण ऐसे बजाते ना बंसुरी को, हैं अधर पर रखते हैं, कहते कृष्ण का अधर कितने सुंदर लाल रंग का, लेकिन ये बंसुरी सारे रस को ही चूस रहा है। और कृष्ण का अधर देखो एकदम नीला हो गया, मतलब ये बंसुरी सारे रस का कृष्ण का रस चूसी, अकेला ही चूस लिया। इसलिए अगले जीवन में हम बंसुरी बन करके आएंगे और कृष्ण हमें हम समय अपना पास में रखेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये सुत गोस्वामी छोटे जाति में जन्म हुए, हनुमान भी छोटे जाति में, प्रहलाद भी छोटे जाति में, लेकिन होने पर भी इनके हृदय में ये तत्व ज्ञान क्यों स्फूर्ति हुआ? क्योंकि इनका जो मन है वो सरल था। हाँ, सरल हृदय में ठाकुर जी प्रकाश पाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोगों ने सौनकादि सुत गोस्वामी को उन्होंने छह प्रश्न किया है, छह प्रश्न किया और छह प्रश्न का जो उत्तर है ना, कहते ये संपूर्ण ये श्रीमद् भागवत कथा है। कहते ये पहला प्रश्न क्या है, पहला आप लोग ध्यान देकर सुनो, कल सबके मैं पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं सालों सालों से सब कथा सुन रहे हो, इसलिए कल सबसे पूछूंगा ये छह प्रश्न किया है। ठीक है, कल आपसे एक एक कर पूछूंगा, देखता हूँ कौन उत्तर दे सकता है। ये छह प्रश्न आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा। जो पहला प्रश्न है ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो घर में जो कुछ करते किस लिए कर रहे हो? शांति के लिए तो कर लेते ना, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, जैसे सामने कोई तुम्हारी समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए हमको शांति मिलेगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना एक समस्या तो दूर नहीं हुई, सामने दूसरे समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इनका प्रश्न है क्या करने पर ये आत्मा को सही शांति मिलेगी। दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। यद्यपि कृष्ण एक है लेकिन उनका तीन धाम है, कहते एक मथुरा धाम है, एक द्वारका और एक वृंदावन। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर मैं बोलता केवल कृष्ण कथा सुना हो सकता है वो केवल द्वारका कथा सुना दी, फिर मथुरा कृष्ण वृंदावन कथा नहीं सुना। बोले नहीं, ठाकुर जी को जो तीन धाम में ठाकुर जी की लीला है, हमें ये तीन धाम की कथा में श्रवण करायो। चौथा प्रश्न है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान केवल कृष्ण कथा नहीं, कृष्ण की अलग अलग अवतार, जैसे भगवान कभी राम रूप में आए रावण को मारे, कभी भगवान नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप को मारे, कभी भगवान कूर्म रूप में आए उन्होंने मंदारचल पर्वत को पीठ के ऊपर धारण किया, भगवान कभी मत्स्य रूप में आए चारि वेद को जब शंखासुर ने हरण करके ले गया था ठाकुर जी उनको, उन्होंने मत्स्यासुर को द्वारा उन्होंने चारि वेद को उद्धार किया। ठाकुर जी कभी बराह रूप में आए पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया। इसलिए हमें सारे भगवान की कथा सुनाओ ठाकुर जी की। पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जस वर्णना करो, जिनके नाम सुनने पर, जैसे अजामिली ने अपना छोटा बेटा का नाम नारायण रख दिया था, हाँ सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है ना, अब बारंबार बेटा नारायण तू इधर आ जा, बेटा नारायण पानी ला,
ऐसे करते करते अंतिम समय में कैसे उसने छोटा बेटा का नाम ले लिया, नारायण जमदूत लेने के लिए आए हैं, डर कुमारी बेटा नारायण, बस इतना बोल तो भगवान का चार दूत आ गए। वैकुंठ जा बोले माँ भयो डरने का कोई बात नहीं, हम है तुमको रक्षा करने वाले, जमदूत को मार मार कर भगा दिए। हाँ देखो कैसे ठाकुर का नाम, उन्होंने ठाकुर का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया था, अपना बेटा का नाम लिया था। अगर बेटे का नाम भी तुम ठाकुर का नाम रख लो ना, क्या करोगे बार बार बुलाओगे बेटे को, राम आ जा लक्ष्मण आ जा कन्हैया आ जा, बस ये तुम्हारी भजन हो जाएगा। इसलिए आप देखो जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछ लो, सब कृष्ण गोविंद दामोदर, सब ऐसे माताओं का नाम पूछो, गीता सीता सरस्वती है, सब ऐसे ऐसे राधा ललिता मिलेगा। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टिंकी फिंकी टुल्लू बुल्लू, और सब पता नहीं विदेश में जो कुत्तों का नाम है ना, सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम पकड़वाते हैं, कहते अरे सब पुराना था कृष्ण राम जो पुराना था, अभी हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, सब प्रिंस नाम देंगे हैं बच्चों का नाम, भगवान का नाम नहीं देते। लेकिन आप वृंदावन में जाना, वहाँ पर मंदिर देखना, इस्कॉन मंदिर देखना, देखना छोटे छोटे अंग्रेज छोटे छोटे बच्चों को देखना, पूछो उनका नाम, ये टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की नाम नहीं देते, बोले सब विदेश में कुत्तों का नाम है, सब नाम कृष्ण गोविंद राधे ललिता विशाखा सब ठाकुर जी का नाम देते। ठीक है, क्या क्या समझ में आया, बच्चों का नाम कुत्तों का नाम नहीं पकड़वाना, पकड़ाओ तो किसका नाम देखना, ठाकुर का नाम, तो कम से कम मुंह से तो जितना बार निकलेगा ठाकुर का नाम तो निकलेगा ना। जिस घर में हर समय माता जी बेटे को गोविंद कृष्ण बोलती है, कितना मंगल भवन है, अमंगल हरि घर का सारे अमंगल दूर हो जाएगी तुम्हारी, अगर ठाकुर जी की नाम को अगर ग्रहण करोगे तो। बच्चे को बैठा दो, माता जी बच्चे किसका है उसको बैठाओ, यहाँ क्यों बुला रहे हो, इसलिए कहते भगवान की अद्भुत जो जस है, जिनके नाम सुनने पर काल भी थरथर कांपते हैं, भगवान कैसे गिरिराज को कैसे 7 दिन में 7 क्रोस, और उन्होंने क्या किया, ने 7 साल का बालक उन्होंने कनिष्ठ अंगुल में गिरिराज उठा लिए, बोले गिरिराज बाबा की जय। और ए कृष्ण ठाकुर जब रास कर रहे थे क्या देख रहे थे, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में, हर गोपी एक कृष्ण एक राधे, गोपी एक कृष्ण एक गोपी, दो दो कृष्ण बीच में एक एक गोपी, दो दो गोपी बीच में एक एक कृष्ण, कृष्ण सत करोड़ों रूप धारण किए हुए थे। भगवान की जो अद्भुत जो जस है, भगवान की रास लीला अद्भुत जस को प्रार्थना करो। और छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए, कलियुग में धर्म कहाँ आश्रय लिया, जब उन्होंने 6 प्रश्न की इसको सुन करके सुत गोस्वामी हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, बोले क्यों, बोले उन्होंने जो प्रश्न किया है वो दुनियादारी, इसलिए उन्होंने एक डंडा यहाँ पर एक डंडा रखा था, कहते उन्होंने बोले श्री वृंदावन हनुमान जी आ गए यहाँ पर एक डंडा ला कर रख दो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए उन्होंने जब उन्होंने ये प्रश्न की, ये प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी बड़े खुश हुए, बोले क्यों खुश हुए, बोले कारण है यहाँ पर जो प्रश्न था ना, और इधर उधर दुनियादारी की कोई बात नहीं था, यहाँ पर केवल भगवान की प्रश्न था, भगवत संबंधी प्रश्न था, शिक्षा देते हैं। मेरे तरफ में देखो बंदर देखना शुरू कर दिया, इसलिए कहते हैं किसी संतों के पास में जाओ ना, दुनियादारी की बात नहीं करनी चाहिए, उनसे केवल भगवान संबंधी प्रश्न करो, जिसमें हरि चर्चा हो, जिसमें क्या हो, जोर से बोलो, देखो जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, देखना 2-2.5 घंटा बैठ बैठोगे, आप जब कथा सुनकर के जाओगे ना, मन दिल खुश होकर के जाएगा, मन प्रसन्न होकर के जाओगे, क्यों, ठाकुर जी की कथा सुन रहे थी। अगर केवल 10 मिनट कहीं बैठ जाओ जिसमें कोई ठाकुर की चर्चा नहीं, केवल घर की चर्चा है, मेरे सास को साथ में बढ़ नहीं रही, हमारी बेटा को साथ में अभी लड़ाई होता शुरू हो गया, भाई भाई में नहीं बन रही है, हमारी ये काम नहीं हो रही है, अगर दुनिया की बात 10 मिनट कर दो ना, उठ करके जाओ, मन एकदम दूषित हो जाएगा, मन दुखी दुखी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2-2.5 घंटा 3 घंटा बैठोगे, जब यहाँ से जाओगे ना, मन खुश होकर जाएगा, क्यों, तुम ठाकुर जी की कथा सुन रहे,
इसलिए कहते भैया दुनियादारी की बात नहीं करके किसकी बात करो, भगवान की बात करो, ठाकुर का बात करो। कितना सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया, जब भगवान की चर्चा भगवान की कथा करोगे सब जीवन का दुख कष्ट दूर हो जाएगी। इसलिए श्री सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह कितने सुंदर तुमने प्रश्न की। बोले पहले मैं अपना गुरु जी के चरण की वंदना करके तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उन्होंने गुरु जी की प्रणाम करते हैं, बोले बंदा गुरु पर प्रणाम करनी चाहिए। बोले गुरु जी के चरण में, क्योंकि ठाकुर जी के चरण में हमें कौन दिखाएगा, उनकी बात हमें कौन बताएगा, गुरु तो हमें बताएंगे ना। इसलिए कहते गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरतः। गुर मतलब क्या, गु मतलब अंधकार, रु मतलब आलोक। हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो हटा करके हृदय में दिव्य ज्ञान को दे दे, इसलिए गुरु जी। इसलिए उन्होंने गुरु जी की चरण की एक छोटी सी कथा सुनो, गुरु जी को कितना आदर देनी चाहिए, मैं ध्यान देकर सुनो। कल एक समय आप लोग देखे होंगे पानी में एक चिड़िया रहता है, वो काला रंग का चिड़िया, देखना पानी में एक डूब करके मछली पकड़ेगा, लेकिन मछली पकड़ कर खा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो मछली को ऐसे फेंकेगा और फेंक करके फिर चोंच में पकड़ कर खाएगा, उसकी एक कला है। एक व्यक्ति देख रहा था अद्भुत, पकड़ करके दूर में फेंकेगा और ठीक उसको पकड़ेगा, पकड़ करके अंदर में निगल लेगा। उसको देख करके उसने क्या किया, एक चाकू बनाया किसकी, लकड़ी की, वो लकड़ी की चाकू बनाकर ऐसे फेंकता है और उसको दांत भी पकड़ता है। जब बढ़िया से प्रैक्टिस उसको हो गया ना, इतने में उसने लोहे की चाकू बनाई, बना करके ऊपर फेंकता है और पकड़ता है। जब बढ़िया से सीख लिया ना, उसको अपना जीवन का धंधा बना लिया। जहाँ देखता है बहुत सारे लोग खड़े हुए, एक ड्रम रखता है, खूब बजाएगा ड्रम को, जब सब लोग एकत्रित हो जाएगा फिर विद्या दिखाएगा। लोग देख देख करके ना बड़े बाहबा आते थे। एक व्यक्ति ने कहा बारे तेरे गुरु जी ऐसे कौन गुरु जी हुए, तेरे को इतने सुंदर विद्या सिखाई। इतने में बोला थोड़ी मेरे कोई गुरु जी, मैं अपने आप से सीखा, लेकिन बता उसको गुरु जी कौन थे, बोलो जोर से, चिड़िया था। देखो इसी जगत में कोई शराब भी पीता है ना, वो चोरी भी करता है, बगैर गुरु के नहीं कर सकता है, जरूर पहले को इसको सिखाने वाला होगा हैं। इसलिए उसने इतने में बोला थोड़ी मेरे को किसने सिखाया, मैं तो अपने आप सीख गया। बोले और एक बार दिखाओ, तो किसने बोला और एक बार दिखाओ। उसने फेंका चाकू को, फेंक कर जब पकड़ने के लिए गया ना, वो चूक गया तो सीधा नाक को पर गया, तो नाक ही कट गई, उसकी नाक ही कट गई। देखो ये साधारण जगत में अभी तक तो वो सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया, गुरु जी को अपमान न कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, उसकी विद्या चूक गई। कहते अगर ये जड़ विद्या के लिए अगर ये कोई गुरु की जरूरत है, कहते जो ब्रह्म विद्या है, भगवत विद्या है, इसलिए भैया बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। लेकिन इस शास्त्र में ये भी बताया भैया गुरु कर जान के और पानी पियो शान के, गुरु करनी चाहिए। ऐसे जहाँ तहाँ गए हैं और उसने गुरु करना कर दिया, बोले नहीं, गुरु करने के लिए शास्त्र में कुछ नियम बताए।
पहला नियम तो बताए, कोई संप्रदाय के संत होने चाहिए। चार ही वैष्णव संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, ये चार ही वैष्णव संप्रदाय है। ये चार ही वैष्णव संप्रदाय में नियम है। ए बच्चा ध्यान इधर सुनो, हरे कृष्ण, इसलिए इधर सुनो, ध्यान दे, इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय है। यदि ये चार वैष्णव संप्रदाय से कोई एक वैष्णव संप्रदाय में ग्रहण करनी चाहिए। यदि ये जो चार वैष्णव संप्रदाय है, ऐसे नहीं आप वहां जाते ही तुम्हें मंत्र दे देंगे, नहीं मंत्र नहीं देंगे आपको, मंत्र नहीं देंगे, बोले कि भैया दवा तो दे रहा हूं, लेकिन दवा लेने के लिए परहेज का भी जरूरत है। बगैर परहेज दवा क्या है? कलयुग में भगवान का नाम ही दवा है। बोले परहेज क्या है? बोले चार ही परहेज है। इधर सुनो ध्यान दे करके, कोई बात मत करो, सब चुपचाप बैठ जाओ, कोई बात मत करो, आगे थोड़ी थोड़ी माता है, आगे आगे आ जाओ। एक एक माता है तो दो दो जगह का माता का जगह दख लगकर बैठी गई यहाँ पर, आगे बहुत जगह है, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, आगे बैठो, जय परहेज मतलब जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ कि बोले भैया दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, ये दवा तभी काम करेगा जब तुम परहेज को साथ में करो लोगों, अगर बगैर परहेज करोगे ना दवा का फल कोई नहीं मिलेगा। माताजी जो पीछे हो, माताजी वहीं पर बैठो, माताजी वहीं बैठो, बीच में नहीं आना। इसलिए कहते चार परहेज है, चार नियम है। बोले चार नियम क्या है? बोले पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण है सत्य। देखना जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं ना वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ को बड़े झूठ बोलता है, ये पहला नियम। दूसरा है किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा शराब आदि मना करती, ये चीज को मत लो। तीसरी चीज है कहते अवैध रूप में स्त्री संग मत करो, मतलब संसार करो पति पत्नी मिल करके धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करो, बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हो, शास्त्र कभी भी ये चीज को अलाउ नहीं करता है। इसको करने से तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और जो चौथा जो चीज है कहते जीव हिंसा नहीं करो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये चार वैष्णव संप्रदाय में सब नियम है। वहां जाने पर तुमको मंत्र नहीं दे आज माला ले लो, नहीं, बोले कि पहले ये नियम का पालन करो, है पालन करते हुए तभी गले में तुम्हारी तुलसी कंठी देंगे, तभी तुमको तुलसी माला जप करने के लिए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे चार संप्रदाय को। इसलिए करे गुरु कर जान के, ऐसे नहीं मांस खाओ मछली खाओ और उल्टा पुल्टा खाते रहो, नस्ली वस्तु करो ले माला ले लो, मतलब संख्या नहीं बढ़ाते हैं, वो देखते हैं एक ही चंद्रमा हो जो पूरा आकाश को क्या कर दे, आलोक कर दे, हजार हजार तारों भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो देख सुन करके अपना मंत्र को प्रदान करते हैं, ऐसे नहीं प्रदान करते हैं। इसलिए हमें सदगुरु चरण में आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे तैसे जहाँ इच्छा हुई बोले भैया यह तो बढ़िया है, क्यों कोई खान पान में कोई विचार नहीं,
प्याज खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, गज्जा पियो, बस भगवान का नाम ले जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, हाँ सब कुछ चले। और बोले हमने दिख्या मंत्र लिया ना भैया, इसे दिख्या से कोई काम नहीं चलने वाले नहीं, बगैर परहेज के मंत्र करोगे। अगर दवा खाओगे ना जिंदगी भर दवा खाओगे, लेकिन तुम्हारी दवा कोई असर नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर हरिनाम करके माला की कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी को उन्होंने प्रणाम किया है। प्रणाम करते हुए उन्होंने उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न किया था, इसको याद के नीचे भूल गए। एक ही मैया बोल रही है और कोई नहीं बोल रही। क्या पहला प्रश्न था? हाँ, कम से कम इतना याद रखो, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो हम संसार में जो कुछ करते इसलिए करते हैं ना, आत्मा को शांति मिले हैं। देखो ये करोड़ों रुपया की प्रश्न है, इसका उत्तर देते हैं। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधक्षजी आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। यदि आत्मा को अगर जीवन में पूर्ण रूप में क्या अगर कोई चाहता है आत्मा को शांति मिले, कहते संप्रसीदति, मतलब जैसे कभी कभी देखना थोड़ी समय के लिए तो सुख आया, फिर सुख कहीं का है, फिर दुख, थोड़ी समय के लिए सुख आया फिर सुख खत्म। यहाँ पर कहते ऐसे क्या काम करे जो हर समय के लिए शांति शांति मिले, हर समय के लिए सुखी बन जाए, कभी दुखी नहीं बने। हैं कैसे? बोले जब तक ये जीव ठाकुर जी के शरण में नहीं जाए। जैसे आप देखना एक पत्थर नहीं तो कोई मिट्टी आप ऊपर में फेंको, बताओ तो मिट्टी फिर कहाँ जाएगी? कहाँ आएगी? क्यों नीचे क्यों आएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगी? कारण है वो जिसका जो एक अंश है ना, वो पृथ्वी का ही एक अंश है, इसलिए ऊपर फेंकने पर नीचे आएगी। जैसे पानी डालो, वो पानी किधर जाएगी? नीचे जाएगी, पहले नाली में मिलेगी, फिर नदी में, फिर जाकर समुद्र में मिलेगी। क्यों? वहीं सही बाष्प होकर के ये मेघ बन करके आता है। जैसे आप दिया जलाओ, उसका लौ किधर जाएगी बोलो? ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि जो मूल जो अग्नि ये सूरज है, मूल अग्नि ये सूरज है, उसको तरह उसी तरह हम जीवन में, आप बताओ जीवन में कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहते। आप बताओ जीवन में कौन सुख चाहते हो? सब हाथ उठाते हो, हम जीवन में सुख चाहते। बोले क्यों सुख चाहते हो? आप दुख क्यों नहीं चाह रहे? इसका कारण क्या? उसका कारण बताया, कहते अमृतस्य पुत्रा, हम जिनकी बच्चे है ना, ठाकुर जी के बच्चे है, कितना तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्वम मम देव। तो भगवान ही हमारे पिता है। भगवान कौन है? बोले सचिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए हम भी सत्य चाहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप, हम भी ज्ञान चाहते हैं। और भगवान आनंद स्वरूप, हम भी आनंद चाहते हैं। फिर प्रश्न होता है, फिर ये दुख क्यों आता है? चाहते तो आनंद, पर दुख क्यों आता है? अच्छे तरह समझे चीज को। जहाँ सुख है ना, हम वहाँ सुख नहीं ढूंढ करके गलत जगह पर हम सुख ढूंढते हैं। एक माता जी रोड में कोई चीज को ढूंढ रही थी, एक कोई व्यक्ति गया, देखा वहीं पर, एक घंटा को बाद में आता, देखा वहीं पर वही चीज ढूंढ रही थी। किसी व्यक्ति ने पूछा, माता जी एक घंटा से यहाँ क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा मेरे सुई कहीं खो गई। बोले सुई खो गई तो सुई तुम्हारी कहाँ खोई थी? बोले घर में। बोले घर में खोई थी तो ये रोड में क्यों ढूंढ रही हो? जहाँ तुम्हारी सुई खोई वहीं पर ढूंढ। तो इसका मतलब क्या? हम सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ सुख ढूंढ रहे? बोले संसार। शायद शादी करके खुश हो जाएंगे, पैसा कमा कर खुश हो जाएंगे, बच्चे जन्म देकर खुश हो जाएंगे। अरे भैया ये तो अनित्य वस्तु, नश्वर वस्तु, एक दिन ये नष्ट होने वाली ये वस्तु है, एक दिन खत्म होने वाली वस्तु है। सबके सब संसार में कोरोना आया, कितना लोग गए। भैया जो एक दिन खत्म होने वाले, जो चीज स्वयं नश्वर, जो अनित्य वस्तु, तुमको सुख कहाँ से देंगे? आप देखना माता जी सुखी है, लेकिन बेटा दुखी दुखी, बेटी, मैया सुखी रह सकती है? उनको दुख में दुखी हो जाएगी। क्यों? ये संसार नश्वर अनित्य है, लेकिन सुख स्वरूप कौन है? बोले आनंद स्वरूप कौन? बोले भगवान है, ठाकुर जी आनंद स्वरूप। हनुमान जी को देखो, खुश हो कि नहीं?
दिन भर राम का नाम लेते हैं, राम की चरण की सेवाई करते हैं, आनंद ही आनंद, खुद आनंद है। कहते ना महावीर जो नाम सुनावा भूत पिशाच निकट नहीं आवा, बोलते है ना हनुमान के नाम सुनकर, क्यों राम की भक्त है ना, राम की भक्त है, इसलिए खुद तो आनंद है और दुनिया को भी आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कहते भैया अगर तुम जीवन में खुश पाना चाहते हो, ये संसार से सुख तुम्हें नहीं मिलेगी, मिलेगी तो ठाकुर जी के चरण में ही मिलेगी और कहीं ये सुख तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए कहते अगर शांति सुख चाहते ठाकुर का शरण को लो। रावण जैसे व्यक्ति, तुम्हारे घर में कितने पैसा होगा, हम सोचते हैं ज्यादा पैसा होने पर सुखी हो जाएंगे। रावण के पास में सोने की लंका थी, क्या थी, सोने की लंका पूरा। तुम्हारे पास में कितना सोना होगा बताओ, बोल दस ऐसे से एक किलो है ना, दो किलो है, दस किलो है, हैं? उसकी लंका ही सोना है। फिर सोचते हैं किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए, सुखी हो जाएगी। उसकी पत्नी का नाम होती मंददरी। अब रामायण देखना, जब माता सीता को हनुमान ढूंढने के लिए गया ना, जब मंददरी को देखा मोहित हो गया, बोली यही शायद माँ लक्ष्मी होगी, इतनी सुंदरी थी, कोई एक पत्नी नहीं उसको, जहां से स्वर्ग से भी कोई गंधर्व मिली देखने में सुंदरी, जोर जोर कर पकड़ कर शादी किया था, इतने सुंदरी। मेघनाथ जैसे बेटा, इतने एक अत एक लाख बेटा, लेकिन रावण खुद कहता है शंकर जी से, कदा सुखी भवामी हम, ठाकुर जी कब हमें शांति मिलेगा, कब हमें सुख मिलेगा। हनुमान जी गए लंका में, आग लगाया कि नहीं आग। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कहीं लंका तो कहते सोने की लंका, आप बताओ सोने में कहीं आग लगती है, बोला सोने में कहीं आग। माताएं पीछे बैठ कर बात मत करो, मेरे तरफ में देखो, हरे कृष्णा, पीछे माताएं कुछ बात कर रही हैं और मेरे तरफ में देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ सब चीज देख रहा हूँ। कथा में बात करोगे ना फिर तो बहुत पाप लगता है, कोई बीच में बात मत किया करो, मेरे तरफ में देखो। तब ये घर में तो बैठी रहती, यहाँ क्यों ज्ञान सुनने के लिए आए, इसलिए कहीं सोने में कहीं आग लगती है, नहीं लगती है। लेकिन हम सुनते हैं हनुमान जी लंका में आग लगाते, देखो इसका मतलब क्या है। कहते तुम्हारी सोने की संसार की नहीं हो तुम्हारी, अगर भगवान से विमुख रहोगे ना उसमें भी आग लग जाएगी। लेकिन उन्होंने पूरा लंका को तो जला दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर उसने छोड़ दिया था। बता सकते हो किसका घर छोड़ दिया था, विभीषण का घर छोड़ दिया था। क्यों, वो राम के शरण में गया था, है ना। लंका में सबको खत्म कर दिया लेकिन विभीषण कुछ नहीं हुआ, बोले क्यों, उसने केवल प्रभु राम की शरण में आ गया है प्रभु की। जिस लंका को पाने के लिए रावण कितने तपस्या किया था, रामायण देखे होंगे कितने कठोर, 10 बार सर को काट करके किसको दे दिया, शंकर जी को दशानन हुई है। जिस लंका को पाने के लिए इतने कष्ट किया लेकिन विभीषण कुछ भी नहीं किया, केवल आया प्रभु राम का शरण में प्रणाम कर लिया, प्रभु तुम्हारी शरण है। अब रामायण देखे होंगे भगवान ने राम उसको राज तिलक लगा दिया, बोले आज से तू लंका का राजा बन गया। केवल प्रभु राम की शरण में आने पर सब चीज मिली। शिक्षा देती है अगर हम भी प्रभु की शरण में चले जाए ना, ठाकुर जी की शरण में चले जाए, हम भी आनंद आनंद मिलेगा, ठीक है ना। सब अगर हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, आप लोग बोलो मैं सुनूंगा, आवाज नहीं आ रही है, झगड़ा करो तो बड़ा आवाज आती है। इसलिए कहते शांति मिलेगा प्रभु की शरण में जाओ। दूसरा जो प्रश्न था, कलयुग में शांति मिलेगी कैसे, जब ठाकुर की शरण में जाएंगे। इसलिए कलयुग में बोले ठाकुर का शरण में कैसे जाए, ठाकुर को तुमने देखा ही नहीं पर ठाकुर का शरण में कैसे जाओगे। इसलिए भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए हैं। इसलिए बोले भगवत प्राप्ति कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है, बोले कलयुग के बलना I
में जो कुछ करो ठाकुर का सेवा मान कर करो, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी का जोर से बोलो नाम लो, बस हो गया रुपया। बोले अभी प्रश्न होता है कौन सा नाम लेनी चाहिए कलयुग में, कौन सा नाम लेनी चाहिए, इसलिए हमारे पुराण में बताए। बोले सत्य युग का जो लोग थे वो कैसे भगवत प्राप्त, कौन सा नाम जप करते थे। बोले नारायण परा वेदा, नारायण परा मोक्षा, नारायणम पराम गति, नारायणम परा मुक्ति। यदि सत्य युग का लोग ये नाम जप करके उनको भगवत प्राप्ति होती थी। बोले त्रेता युग आया, बोले त्रेता युग में लोग नाम क्या करते थे। बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, कभी ये नाम करते थे। अभी द्वापर युग आया, बोले द्वापर युग में लोग कौन सा नाम लेते थे। बोले हरे मुरारी मधुकैट भारी, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी, जगेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय माम जगदीश रख्य, ये नाम को लेकर के उधार होते थे। अभी कलयुग आया है, बोले कलयुग में कौन सा नाम लेनी चाहिए, एक बार हाथ उठा करके बोलो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम कलयुग का नाम। यदि ये कौन कह रहे हैं, बोले शंकर जी, ये पार्वती को कह रहे हैं। ये नारद जी पुराण में शंकर स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती, बोले इति षोडशक नामनम इसलो नाम है, कलमी कलमस नाशनम नात परतो उपाय सर्व विदेश दृश्यते। समस्त वेद में बताया इति षोडशक नामनम, ये जो 16 नाम ही कलयुग का पाप को यही नष्ट करने वाले, और कोई नाम नहीं। यद्यपि भगवान का नाम कुछ ले सकते हो, लेकिन कलयुग के लिए जो नाम बताया ना, ये 16 नाम 32 अक्षर से जीव का ही कल्याण होने वाली, इसलिए इसी नाम को हमें जप करनी चाहिए।
कहते ये नाम जप करने से क्या होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले अगर ये नाम को कोई जप करेगा उसको 8 फायदा होगा। कितना फायदा होगा? बोले क्या क्या फायदा होगा गौर संगत में बोल सकते हो? चेत दर्पण मार्जन खड़े हो जाओ। अभी हमारी ये प्रभु जी बोलेंगे ये कहते हैं अगर ये नाम को कोई ग्रहण करके उसको 8 फायदा होगा। बोले वो 8 फायदा क्या होगा प्रभु जी अभी बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु को ये कृष्ण स्वयं कलयुग में कृष्ण ही राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के आए हैं। वो खुद भगवान हमें तो पता ही नहीं ना ठाकुर के नाम से क्या लाभ हमें तो पता नहीं लेकिन ठाकुर जी को पता है मेरे नाम लेने से तुम्हें क्या मिलेगा। हम कहते हैं ना जब तक इस चीज में हमें फायदा नहीं हो हम वो काम को नहीं करते। सबसे पहले सोचते भैया इसमें हम लाभ क्या होगा हमें ये लाभ क्या होगा। अभी भगवान खुद कहते हैं इसमें क्या लाभ अभी भी प्रभु जी बताएंगे। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त भागवत कथा श्रोत मंडली माता भाई प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा। हम लोग श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार जब शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रश्न किया कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है तो तब सूत गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि भगवान का नाम वे हरे कृष्ण महामंत्र है इसका यदि कोई जप करे तो इससे भगवान को अतिशीघ्र प्राप्त कर लेगा। और उसी में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कौन है राधा कृष्ण दोनों मिलके और कलयुग के अंदर एक अवतार हुआ है जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टक में बताया कि हरिनाम करने के कितने लाभ हैं क्या फायदा है हरिनाम करने से हमें क्या प्राप्त होगा उसके विषय में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावजीवनम आनंदम मुनिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी तो भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक लिखे और उन श्लोकों के माध्यम से ही भगवान के नाम की महिमा गान कर जो अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम कि भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही सारे कलयुग के पाप दूरीभूत हो जाएंगे और प्रणाम दुख शमनम सर्व व्याधि कहते हैं भगवान का नाम जप करने से सारे दुख दूर होंगे और हमें शांति प्राप्त होगी। तो कहते हैं हरि नामानुकीर्तन भगवान का नाम जप करो लेकिन जब वहां कहा कि हरि तो हरि के तो कई अर्थ होते हैं हरि का एक अर्थ हुआ बंदर भी है ना हरि के कई अर्थ संस्कृत के हिसाब से हरि के कई अर्थ बताए तो मानो व्यासदेव जी ने पूर्ण रूप में वहां वर्णन नहीं कर पाए कि हरि किस नाम संकीर्तन तो बताया लेकिन हरि का क्या अर्थ हुआ तब स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम ये जो कृष्ण नाम का संकीर्तन यदि कोई करेगा ये हरे कृष्ण महामंत्र का यदि कोई जप करे तब जाकर उसे नाम संकीर्तन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो पहला फल यहाँ बता रहे चेतो दर्पण मार्जनम हमारे चित्त को उदाहरण दे रहे हैं हमारा चित्त एक दर्पण है दर्पण मतलब शीशा ये शीशा होता है ना आप देखो यदि शीशा कहीं कोई घर में शीशा हो बड़ा धूल मिट्टी में जमा हुआ हो तो उसके अंदर क्या आप ठीक से छवि देख पाओगे अपना चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा। बता रहे हैं हमारा चित्र भी ऐसे ही मैला हुआ है हमारा हृदय हमारा चित्र ये भी एक दर्पण है और एक दर्पण के अंदर भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। क्या धूल मिट्टी है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष ये सारे मैल हैं ये सारी मिट्टी है जो हमारे हृदय पे जमी हुई है
तो कृष्ण नाम क्या करेगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र इसी मिट्टी का मार्जन करेगा। जब इस मिट्टी का मार्जन हो जाएगा, भगवान का नाम जप करते करते क्रमशः जब हमें प्राप्त ये अनुभूति होगी कि देखो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हृदय के अंदर काम क्रोध इत्यादि ये दुर्भावनाएं नहीं रहनी चाहिए, भगवान के नाम में सबको आनंद प्रदान करने वाला है। तो जब भगवान का नाम हम जप करेंगे उससे ये मिट्टी ये मार्जित होगी और इससे क्या होगा, हमें पूर्ण शांति प्राप्त होगी। दर्पण के अंदर जैसे दर्पण गंदा हो दिखता नहीं है, लेकिन यदि उसको अच्छे से साफ कर दो, पानी लगा के कॉलिन लगा के अच्छे से साफ कर दो, तो उसके अंदर क्या होगा, तब हमें प्रतिबिंब दिखने लगता है। ऐसे ही हमारा चित्र रूपी दर्पण जब मार्जन हो जाएगा तब उसके अंदर हमें भगवत नाम भगवान के स्वरूप की अनुभूति होगी, तब हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम, बातें बता रहे हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। कहते हैं ये भव सागर क्या है, महादावाग्नि दावा नल बता रहे हैं इसको। दावा नल मतलब क्या होता है, जंगल में जो अपने आप आग लग जाती है, सूखे पेड़ों के घर्षण से जो जंगल में अपने आप आग लग जाती है उसे कहते हैं दावा नल। कह रहे हैं ये संसार भी ऐसा ही दावा नल है, सभी के हृदय इस दावा नल की अग्नि से जल रहे हैं, सभी इस संसार में दुखी दुखी है, सब चेष्टा कर रहे हैं सुखी रहने की, लेकिन सब किसी न किसी प्रकार से दुखी है। गोस्वामी जी बड़े सुंदर रूप में वर्णन करते हैं कि गरीब कहे धनवान दुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सिर्फ सुख शंकर को भारी, तुलसीदास कहे बिचारी, बिना हरि भजन सब जीव दुखियारी। भैया हमारी क्या भावना है कि जो हमसे रहीस है ना, गरीब कहता कि भैया जो जिनके पास में पैसा है वो लोग बड़े सुखी से रहते होंगे, जिन लोगों के पास में पैसा है वो भावना करते हैं कि जो राजा है प्राइम मिनिस्टर मोदी या राष्ट्रपति जो है वो बड़े सुखी में रहते होंगे, जो वहाँ के लोग हैं वो जो उस स्तर पर पहुँच चुके हैं वो सोचते हैं कि हमसे ऊंचे स्तर पे जो है वो सुखी रह सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना हरि भजन के कोई भी सुखी नहीं रह सकता, ये संसार दुखालय है। भगवान गीता में कह रहे हैं ये संसार दुखालय है, तो यहाँ पर सुखी कब रहोगे, जब एकमात्र भगवान का भजन करोगे। ये दुख रूपी अग्नि ये संसार दावानल जो है ये इससे सभी ग्रसित हैं, सब इसके अंदर जल रहे हैं, तो ये अग्नि शांत कैसे होगी। देखोगे जंगल में जो आग लगती है ना, कितने फायर ब्रिगेड लगा लो वो आग बुझा नहीं सकते, इतनी विशाल अग्नि लग जाती है उसको कोई बुझा नहीं सकता। जब आकाश में काले मेघ छा जाए और जब रिमझिम रिमझिम बारिश होने लग जाए तो उस वृष्टि से ही वो दावानल शांत हो जाता है। ऐसे ही भगवत नाम रूपी वृष्टि जब हमें हमारे ऊपर होगी, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो ये दावानल ये अग्नि ये शांत हो जाएगी। तो इसलिए भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस दावाग्नि को दूर करने वाला क्या है, भगवान का नाम। कह रहे हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा कुमुदिनी फूल देखा है रात में जो लिली फूल होता है कुमुदिनी, चंद्रमा की जब छटा उसके ऊपर पड़ती है तो वो फूल खिलता है ना, और वो फूल के खिलने से क्या होता है, उस फूल की बड़ी सुंदर सुगंध होती है, सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। ऐसे ही हमारा हृदय को भी बताया, ये हमारा हृदय के अंदर जो कुमुद पुष्प है ये हरिनाम के रूपी चंद्र की छटा पड़ने से ये खिल जाएगा और हमारा हृदय भी आनंदित हो जाएगा। क्षय कैरव चंद्र का वितरणम विद्या वधु जीवनम, सबसे मुख्य बात देखो, हमने जो इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, जो विद्या हम अर्जन करते हैं, ये विद्या की सार्थकता कब है, ये विद्या की सार्थकता तभी है जब हम भगवान का नाम करें, भगवान का भजन करें। बड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली, एमए पीएचडी डॉक्टरी कर ली, लेकिन मनुष्य जीवन का जो एक्चुअल लाभ, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है भगवान का भजन करना, यदि ये नहीं किया तो तुम्हारी विद्या का क्या लाभ हुआ। एक कहानी सुन लो, देखो एक नाव के अंदर क्या था, एक डॉक्टर इंजीनियर और सीए, ये तीनों जा रहे थे, नाविक अपना नाव चलाता हुआ जा रहा था, नदी पार करवानी थी, तभी डॉक्टर बीच में उससे प्रश्न करने लगा नाविक से, बोले तुमको पता है डॉक्टर के बारे में कुछ पता है, एमबीबीएस पढ़ी हो तुमको कुछ मेडिकल के बारे में कुछ पता है कि नहीं। नाविक बोलने लगा भैया हमको क्या पता, हम तो हाथ हिलाते हैं नाव चलाते हैं, जो शाम में जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है अपना पेट पाल लेते हैं। बोले तेरा तो जीवन 25% जीवन व्यर्थ है, बेकार चला गया। इतने इंजीनियर बोल पड़ा, अच्छा डॉक्टर के बारे में नहीं पता, कम से कम इंजीनियरिंग के बारे में तो कुछ पता होगा।
कितनी सारी फील्ड होती है इंजीनियरिंग की, कैसे घर बनते हैं, कैसे मशीन्स काम करती हैं, कैसे बिजली का काम होता है, ये सब इंजीनियरिंग में आता है। इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता है? बोला वो भी नहीं पता, मैं तो अपना नाम चलाता हूँ। बोले तेरा तो 25% जीवन व्यर्थ हो गया, 25-25-50, कह रहे तेरा 50% जीवन व्यर्थ हो गया। इतने वहां पर सीए था, बोले चल कोई बात नहीं, सब तो बातें छोड़, सीए के बारे में तेरे को पता ही होगा ना, कैसे सब अकाउंट्स मैनेज करते हैं, कैसे सारा बजटिंग वगैरह सब होता है। उसने वो बात करने लग गया, बोले नहीं मुझे तो सीए के बारे में भी नहीं पता। बोले तेरा 75% जीवन व्यर्थ हो गया। अभी थोड़ी दूर नाव आधे रास्ते में पहुंचे थे, इतने नाव के अंदर छेद हो गया तो पानी घुसने लग गया, नाविक बड़ी चेष्टा कर रहा था पानी निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाया। नाविक ने क्या किया, उन तीनों से प्रश्न किया, बोले तुम लोग को तैरना आता है, वो तीनों बोले हमें तैरना नहीं आता। बोले मेरा तो 75% जीवन व्यर्थ गया था, तुम लोगों का अभी 100% व्यर्थ चला जाएगा। नाविक ने लगाई छलांग, तैरते तैरते वो नदी पार हो गया, नाव डूब गई और ये तीनों डॉक्टर इंजीनियर सीए डूब के मर गए, है ना। तो हम लोगों ने भी ऐसी बड़ी विद्या अर्जन कर ली है, हम लोग भी बड़े डॉक्टर सीए पीएचडी इंजीनियर बन गए, लेकिन जो एक्चुअल विद्या है, जो भगवान के भजन की विद्या है, यदि इसको नहीं अपनाया तो हमारा जीवन भी उन तीनों के समान व्यर्थ है। हम भी एक दिन इस भव सागर के अंदर डूब के हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, और भगवान का भजन यदि नहीं करोगे तो इससे पार नहीं हो सकते। विद्या बदु जीवनम, विद्या की सार्थकता तभी है जब हमने भगवान के भजन को जीवन में अपनाया, नहीं तो जानवर में और हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। ये विद्या इतनी जो अर्जन करी उसका सार्थकता तभी है जब भगवान का भजन किया, हरि नाम किया, है ना। तो विद्या बदु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम, कह रहे हैं भगवान के नाम करने में ऐसा सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है जो प्रतिपद बढ़ता रहता है। आप देखो इस जड़ जगत का आनंद की यदि बात करें, गोलगप्पे खाना किसी को पसंद है? गोलगप्पे बहुत बढ़िया लगते हैं, है ना। अगर किसी को किसी ठेले पे ले जाए, बोले जितनी मर्जी उतने खा ले, कितने खाने का ज्यादा से ज्यादा, 40, 50, 100, 200, इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएगा ना। और मान लो खिलाने की चेष्टा करो, क्या करेगा, उल्टी कर देगा, पेट खराब हो जाएगा। रसगुल्ला खाने में बहुत बढ़िया लगता है, एक खिलाओ, दो खिलाओ, तीन खिलाओ, चार पांच, उसके बाद में बोले नहीं, छह, मान लो जबरदस्ती सातवां खिला भी दिया ना, उल्टी कर देगा, है ना। जो पहला रसगुल्ला जितना टेस्टी लग रहा था, स्वाद लग रहा था, अभी सातवां वैसा नहीं लग रहा है। क्या रसगुल्ले में रस कम हो गया क्या? रसगुल्ला तो वैसा का वैसा ही है ना, रसगुल्ला तो वैसा ही है। फिर अभी सातवां वाला क्यों इतना प्रिय नहीं लग रहा, पहला वाला क्यों लग रहा था? समझ रहे, बात को समझने की चेष्टा करो। इस जड़ जगत का जो भी आनंद है वो धीरे 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 घटता है। मानो कोई बहुत बढ़िया मूवी आई है, सिनेमा हॉल में देखने गए, एक बार देख ली, दो बार देख ली, तीन बार देख ली, बाद में मन नहीं करेगा उसको देखने का, चौथी बार यदि किसी प्रकार देख भी ली, पांचवी बार तो भग जाओगे वहां से, है ना। तो इस जड़ जगत का कोई भी आनंद विचार करके देखोगे हमेशा धीरे 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 घटता है। भगवान के नाम का जो आनंद है, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, कह रहे पद पद पे उसका आनंद बढ़ता है। भगवान के नाम को जिन्होंने जिन्होंने जप किया है, अगर देखो इसके अंदर रस नहीं होता तो बैठो आगे नहीं है भाई, बैठो। भगवान के नाम में यदि रस नहीं होता तो मुनि गण सारे जो संत लोग हैं इतने इतने समय तक इसका जप क्यों नहीं करते, क्यों करते? इसके अंदर निश्चित रूप में कोई रस है, और रस उनको क्या है, प्रतिपद बढ़ने वाला है। इस संसार के रस की तरह घटता नहीं है, हर एक समय बढ़ने वाला है। इसलिए आनंद अम्बुदि वर्धनम कहते हैं इसको, अम्बुदि, अम्बुदि मतलब एक समुद्र की भांति, अथाह समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान के नाम का ऐसा रस है, लेकिन कोई पान तो करे, हम इतने दुर्बुद्धि हैं, इतने दुर्विनीत हैं कि हम इस भगवान के रस का, भगवान नाम के रस को पान ही नहीं करना चाहते, है ना। तो आनंद अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, पद पद पर एक नए रस की प्राप्ति होती है। सर्वात्म स्वपनम परम चेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसलिए कृष्ण संकीर्तन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे हरि नाम को यदि कोई दुर्भागा जीव जप ना करे तो बताओ मैं और क्या करूं। जब यमराज जी, जब युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न किया कि बताओ एक आश्चर्य घटना क्या है इस जगत में, सबसे आश्चर्य घटना क्या है, तो उन्होंने कई सारी बातें बताई। एक बात कहते हैं, सुलभम भगवत नामम जीवाच वशवर्तिनम,
तत्रापि नरकमयान्ति किम् आश्चर्यमत परम। कह रहे भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें यह मेरा नाम जप करने पर पैसा देना पड़ेगा। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। किसी का कुछ पैसा लगा, कुछ घाटा हुआ? हुआ। भगवान कह रहे सुलभम भगवत नामम, मैंने अपना नाम बड़ा ही सुलभ करवा दिया। और जीवा च वशवर्तिनः, अर्थात ये जीवा है ना हमारी, ये भी हमारे वश में है। हम जैसा इस जीवा से काम करवाना चाहेंगे वैसा ही करेगी। इसे कहेंगे कि संसार की बातें करो, बहु बेटियों की चुगली करो, इधर उधर की बातें करो, तो ये जीवा वही करेगी, है ना। और इसे कहेंगे कि भगवान का नाम जप करो, तो ये वही करेगी। हमारे वश में है ना, हम जैसा करवाना चाहेंगे वैसा करेगी। तो भगवान का नाम भी इतना सुलभ है, ये जीवा भी हमारे वश में है, लेकिन फिर भी हमारी इसमें रतिमति नहीं होती। भगवान के नाम में रतिमति नहीं होती और अंततः खुद के लिए नर्क का रास्ता खोल देते हैं। इसीलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या होना चाहिए, इतना दयामय भगवान का ये जो नाम है उसका आश्रय लेके जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। हाँ देखो, जिस समय श्री व्यासदेव जी ने उनने सारे ग्रंथों को रचना कर दिया, लेकिन ये ग्रंथ रचना करने का बावजूद उनको शांति नहीं मिल रहा था। जब शांति नहीं मिल रहा था, एक दिन भगवत इच्छा से श्री नारद जी बिना बजाते बजाते आए, बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय इसलिए जो गोपी होगा ना सही नाचेगी, गोपी नहीं होगा चुपचाप बैठ जाएगी। अगर शादी हो ना मेन रोड में नाचते हैं सबके सब, अरे पीप आ करके। अरे यहाँ तो ठाकुर का भजन, क्या ठाकुर का भजन में जो नाच लेगा ना, फिर उसको दुख रूपी संसार में नाचना नहीं पड़ेगा हैं। कहते फिर तो ठाकुर जी के चरण में जाकर नाचेगा। इसलिए बड़े भाग्य से कोई ठाकुर का कीर्तन में बड़े भाग्य से नाचते हैं, तभी ये प्यार की सार्थकता जब ठाकुर का कीर्तन में नाचोगे, ठीक है ना। नहीं तो 84 लक्ष्यों पर जोड़ी में नाचते हैं, कोई सांस को सामने नाचती है, कोई नाथ को सामने नाचती है, कोई खसों को सामने नाचते हैं, लेकिन ठाकुर का कीर्तन में जो गोपी वही नाचेगी। देखो कौन गोपी दिखाई, अभी पता चलेगा कौन गोपी है। बोलो प्रभु जी। हाँ बोला।
वांछा कल्पतरु भ्रश कृपा सिंधु वैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयालु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशद शिवोर्भक्तवृंद। बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद भगवान ओम विष्णु पाद अष्टोत्तम भक्तिवेदांत लक्ष्मी गुरु गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। उनका हेतु कृपावान चाहता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग समस्त रूपान व गुरुपाद पद्म सोपाद से सफरीकर से राधा गोविंद जी गौर नित्यानंद प्रभु उपस्थित श्रोतमंडली वैष्णववृंद भक्तवृंद वैष्णववृंद समस्त चरण लगन का यथाजुग दंड प्रणाम स्वीकार। परम सौभाग्य की दिन है कि गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग श्रीमद् भागवतम की कथा मृत को श्रवण कर रहे हैं। अभी अभी गुरुदेव ने 6 क्वेश्चन श्रीमद् भागवत में जब 6 प्रश्न बोला था उसमें 1 प्रश्न पूछा था कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। कथा प्रारंभ होने पहले गुरुदेव पूछे थे, बताओ सबसे पहला प्रश्न क्या है। फिर से भूल गए, आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, किस प्रकार से शांति मिलेगा। तो जिस समय नारद जी वीणा बजाते बजाते बड़े सुंदर भगवान का नाम कीर्तन गान करते करते भ्रमण करते करते जा रहे थे, देखा कि ये वेद व्यास जी कौन है ना, ये हमारे जितने भी सारे पुराण उपनिषद को इन्होंने रचना किया, सारे पुराण उपनिषद को कौन रचना किया, ये वेद व्यास जी ने। बोले वेद व्यास जी ने सबसे पहले एक वेद था, एक वेद को फिर 4 वेद कर दिया, 4 वेद में डिवाइड कर दिया, फिर 4 वेद में भी देखा कि जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद में देखा कि इनमें स्त्रियों का भी और जो शूद्र जाति है इनका अधिकार नहीं होगा, फिर 5वां वेद महाभारत रचना किया, फिर उसके पश्चात भी बड़े बड़े उपनिषद रचना किया और उसमें से ब्रह्म सूत्र आदि रचना किया, तो उसके पश्चात भी उनको मन को शांति नहीं मिला, उनके मन को शांति नहीं मिला, बड़े दुख मन से बड़े खिदन होके सरस्वती नदी के तट पे बद्रिकाश्रम पे बड़े दुखी उदास होके बैठे हैं। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि वेद व्यास जी को शांति क्यों नहीं मिला, इतने सारे उपनिषद इतने सारे शास्त्र रचना कर लिया। तो बोल रहे हैं कि हम लोग सारे ग्रंथ को पढ़ते हैं, अन्य अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ के बोलते हैं कि हमको ये करना चाहिए हमको वो करना चाहिए, और करने के बाद भी बोलते हैं अरे इसमें तो लिखा है ये करने से हमको शांति मिलेगा ये करने से हमको शांति मिलेगा, लेकिन करने के बाद शांति मिलता नहीं। तो इसमें एक जानने वाला बात है कि जो लिख रहे हैं उनको खुद शांति नहीं है, जो लिख रहे हैं उनको खुद शांति नहीं है उपनिषद वेद आदि, तो हमें कैसे उसको पढ़ के शांति मिलेगा, हमें कैसे उनको फॉलो करके शांति मिलेगा, मिल ही नहीं सकता क्योंकि वेद व्यास स्वयं लिख कर भी वो अशांत है बैठे। तो नारद जी वीणा बजाते बजाते आए, देखे ये वेद व्यास जी बड़े अशांत चित्त हैं। वेद व्यास यद्यपि भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, फिर भी यहाँ भगवान गुरु के महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं, किस प्रकार गुरुदेव का महिमा है। गुरु कौन है, नकूकार अंधकार, अंधकार को जो रूकार तस निरोधक, गुरु अर्थ अंधकार और रू अर्थ उसको जो हटा दे, हम सब भी अज्ञान रूपी अंधकार में इस जगत में पड़े हुए हैं। तो गुरुवर्ग आगे क्या करते हैं, ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा शिक्षा के द्वारा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देते हैं। तो यहाँ गुरु के महिमा को यहाँ पे भगवान स्थापन कर रहे हैं। नारद जी आके देखे कि वेद व्यास जी बड़े दुखी बैठे हैं, तो नारद जी पूछे बोलो वेद व्यास जी क्यों दुखी हो। तो बोले वेद व्यास जी बोले मैंने इतना सारा ग्रंथ रचना किया, उपनिषद रचना किया, 4 वेद को विभाजित करके मैंने फिर 5वां वेद महाभारत रचना किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिला। तो नारद जी बोले शांति कैसे मिलेगा, आप उसमें जो धर्म अर्थ काम मोक्ष
धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको रचना कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को रचना कर दिया और उसमें मुक्ति का बात बता दिया। अब भगवान के अन्य अन्य पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में भगवान का लीला तो है, कृष्ण का लीला है, लेकिन जो रसमयी कथा है किस प्रकार सखाओं के साथ लीला करते हैं, किस प्रकार गोपियों के साथ लीला किया और उसमें भी जो सर्वोत्कृष्ट लीला जो रास लीला आप तो वर्णन किए ही नहीं। इसलिए पूर्ण रूप में आपने भगवान का महिमा कहाँ पर वर्णन किया ही नहीं। और दूसरे जगह पे बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि हमारे किसी किसी अन्य अन्य ग्रंथों में कहीं कहीं ये अभक्ष द्रव्य को खाने के लिए भी बता रहे हैं, लेकिन उसको खाने के बाद हवन करने की विधि भी है। तो नारद जी बोल रहे हैं ये संसार तो पूरा भोगी ही है और उसने आपने स्टाम्प लगा दिया और भोग ग्रहण करते करते हरि बोल। अब कहीं से अगर युक्ति करेंगे संसार के पुरुष माया में फंसे हुए हैं, कहीं से अगर युक्ति करेंगे तो दिखा देंगे वेद व्यास जी। तो व्यास जी बोले मैं तो उनको प्रवृत्ति मार्ग से उनको निवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाने के लिए निवृत्ति मार्ग से उनको प्रवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाने के लिए उनको ये बात सब लिखा था, लेकिन जागतिक पद्धति इस बात को समझते ही नहीं। तब वेद व्यास जी ने बड़े अशांत होकर बोला कि मुझे अब क्या करना चाहिए, हे नारद जी आप कृपा करके मुझे बताओ कि मुझे अब क्या ग्रंथ रचना करना चाहिए जो मेरे हृदय को मेरे आत्मा को शांति मिलेगा और आपकी इस प्रकार का भक्ति आप त्रिभुवन में इतना ख्याति हो इसका क्या महिमा है। तब नारद जी अपने पूर्व जन्म के चरित्र बोलते हैं। देखो वेद व्यास जी पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया था, ये नारद जी स्वयं बोल रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया था और मेरे माँ उसी राज्य का एक राजा का दासी था। किसी काल में ये भगवान के कुछ संत लोग हमारे गाँव में आए और उसी समय पे चातुर्मास से समय उपस्थित हुआ और चार महीने में संत एक जगह जगह रुक के भजन करते हैं। तो ये चतुर्मास के समय पे वो संत लोग वहाँ पे मेरे गांव में रुके और भगवान की इच्छा से भगवान की कृपा से मुझे उनका सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब जैसे ही मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ मैं प्रत्येक दिन उनका क्या करता था ना, उनके चरण सेवा करता था, उनके लिए पानी लेके आता था, उनका वस्त्र आदि धोते करता था, इस प्रकार विभिन्न प्रकार का उनका सेवा करता था और दिन में तीन तीन बार हरिकथा सुनता था और उनके मुख से हरिकथा सुनते सुनते और मेरे सेवा का पूर्ति देख के वो लोग मुझे अपने उच्चिष्ट प्रदान किए और अपने उच्चिष्ट प्रदान करने के बाद मैं जब वो संत लोगों का सेवा करते गया कथा सुनते गया और संतों का जब उच्चिष्ट पाने लगा तब मेरे हृदय में जितने भी अभद्र यानी मेरे हृदय में जितने भी अविद्या वो सर्व दूर हो गया, मुझे एक भक्ति हृदय में एक भक्ति का एक जागृत हो गया कि मुझे लगा कि अब हृदय में किसी प्रकार का पाप नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे संत का बड़ा महिमा है, संत का यहाँ पे बड़ा महिमा है। इसलिए चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि भक्त पद धूलि और भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीने साधने पर, भक्तों का चरण धूलि, भक्तों का चरण जल चरणामृत और भक्तों का प्रसाद उच्चिष्ट प्रसाद, यही तो साधन का बल है। आप सब ने रामानुचार्य का नाम सुने हैं श्री संप्रदाय में, ये रामानुचार्य के समय में उनका गुरुदेव है श्री यादवाचार्य, तो उनके राज्य में किसी को भूत लग गया था तो यादवाचार्य ने रामानुचार्य को छोटे थे उनको साथ में ले गए, तो ले गए तो भूत देखते ही यादवाचार्य को बोल रहे हैं अरे तुम तो पहले जन्म में गोसाक कीड़े थे, एक कीड़ा का नाम है जिसका नाम गोसाक, बोले तुम तो पहले जन्म में कीड़ा था लेकिन किसी ना किसी कारण से तुम्हें भक्त का चरणामृत मिल गया इसलिए तुम अभी आचार्य रूप में आए हो। वो भूत स्वयं बोल रहे कि तुम अभी आचार्य तुम मुझे क्या उद्धार करोगे। तब वहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो ये जो रामानुचार्य हैं ये साक्षात लक्ष्मण जी का अवतार है, इनका अगर चरणामृत अगर मुझे दे दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो किस प्रकार चरणामृत का महिमा है, किस प्रकार भक्त का महाप्रसाद का उच्चिष्ट का महिमा है और किस प्रकार उनका चरण धूलि का महिमा है। तो बता रहे हैं नारद जी को ये पूरा का पूरा प्राप्त होता था और हरिकथा प्राप्त होता था, हरिकथा सुनने के अभी अभी प्रभु जी बता रहे थे ना हृदय में क्या होता है ना प्रति क्षण हर समय आनंद का वर्धन होता है, हर समय आनंदित होते हैं, हृदय आनंदित हो जाता है और हृदय का जितने भी अनर्थ सब दूर हो जाते हैं, जितने भी कलमश वो सब दूर हो जाते हैं कथा श्रवण मात्र से। इसी प्रकार नारद जी को सेवा देख करके उन्होंने एक मंत्र प्रदान किया
जितने भी संत लोग थे, तो संत ने नारद जी को एक मंत्र प्रदान किया, बोले नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय च संकर्षणाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। अब नारद जी भक्ति पूर्व से कथा श्रवण करते थे, सेवा करते थे और इस मंत्र को जाप करने लगे, इस मंत्र को जाप करने लगे। जाप करते करते जिस समय साधु लोग उस समय चतुर्मास्य खत्म होने के बाद वहां से जाने के लिए प्रस्थान हो रहे थे, उसी समय नारद जी बोले मुझे भी ले चलो। लेकिन उनके माता थे अकेली माता, और माता दासी पुत्र है, दासी है, अब माता को छोड़ के कैसे जाएंगे। माता ने उनको रोक लिया। विशेष करके देखा जाता है जब पुत्र साधु बनते हैं ना, सारे माता जी विरोध करते हैं खड़े हो जाके। लेकिन पुत्र अगर बेटा अगर कहीं शराब पिए, कहीं सिगरेट खाए, कहीं शॉपिंग मॉल जाए, सिनेमा देख के देर रात को घर आए, तो पूछते नहीं, 12-1 बजे भी तो नहीं पूछते। लेकिन 8 से अगर 9 बज जाए कथा सुनते सुनते, बोले तुम मठ में इतना देर तो रुका था, लग रहा है तुम मठ में ही कल रुक जाते और घर आने की आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार माता थे तो दासी पुत्र थे, तो पूरा पूरा राजा के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब ये सोच रहे हैं कि माता है, माता को छोड़ के कैसे जाऊं। अब मैया ने भी बोले बेटा तुम मेरा एकमात्र पुत्र है, तुम मुझे छोड़ के कैसे जाओगे। तो इस प्रकार काल क्रम से संत लोग उनको कृपा करके वहां से चले गए और बोले कि तुम्हारा निश्चित रूप में ही ये संसार छूट जाएगा। संत के बाद झूठा नहीं होता। किसी समय नारद जी का इतना मात्रा में भक्ति था कि भक्ति भाव से जब नाम जप करते थे उनको कुछ भी स्मरण ही नहीं आता, खाना पीना सब भूल जाते हैं, निद्रा सब भूल के भक्ति में वो नाम जप करते हैं। और करने के बाद एक दिन उनके माता गोदुग्ध कर रहे थे, गाय दोहन करते करते कोई सर्प ने आके उनको डस लिया और वो नित्य स्वर्ग लोग चले गए। अब नारद जी का तो हृदय का सारे ग्रंथ थी वो टूट चुका था, वो तो हृदय से ही वैराग्य हो चुके थे, वैराग्य उत्पन्न हो गया था कथा श्रवण करते करते। बापू तुमने पीछे मुड़ के भी देखा नहीं, उत्तर दिशा की ओर चलते हैं और चलते 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 बड़े घोर जंगल में चले गए। भगवान परीक्षा लेने के लिए रास्ते में बड़े बड़े धन संपत्ति आदि दिया, लेकिन नारद जी उनके तरफ देखा भी नहीं। तो पूरा चलते चलते एक अस्वस्थ वृक्ष के पास नीचे बैठ के इसी मंत्र को जाप करते हैं, और जाप करते 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 भगवान को स्मरण करते करते जिस प्रकार संत लोग कथा में बोलते हैं ना, किस प्रकार भगवान का बड़े सुंदर सुंदर कमल जैसे पंखुड़ी जैसे आंख, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और हृदय में श्रीवत्स चिन्ह, बड़े सुंदर कौस्तुभ माला, वनमाला आदि मुकुट है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म, इस स्वरूप को ध्यान करते करते हटात उन्होंने आंख बंद करते करते भगवान को दर्शन किया एक दिन। और भगवान को दर्शन करते करते उनके आंख में अश्रु निकल रहे, इतने मात्रा में अश्रु निकल रहा है कि भगवान को ठीक से दर्शन भी नहीं कर पा रहे। और दर्शन करते करते जैसे ही आंख खुला तो भगवान ने वहां पे अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां पे अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी का क्या दशा है, नारद जी वहां सोच रहे हैं, जिनको स्वप्नों में भी भगवान का दर्शन हो जाते हैं वो तो उस आनंद में पागल हो जाते हैं। नारद जी विचलित हो गए, स्वयं भगवान का दर्शन किए, अब भगवान कहाँ है बल्कि बन बन में भटक रहे हैं। भटकते भटकते वहां पे आकाशवाणी हुआ कि हे नारद जी, इस जन्म में आपका जो कसाय है, कसाय यानी इस जन्म में आपका पूरा इस जन्म में आपका जो स्वीकृति इतना ही था कि आप मुझे दर्शन कर पाए, बस थोड़ा ही दर्शन कर पाए, इस जन्म में आप मुझे और दर्शन नहीं कर सकते। अगले जन्म में जब तक आपका पूरा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब आप दर्शन कर सकते हो। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें एक बात बोलते हैं कि देखो नारद जी को थोड़ी देर के लिए भगवान ने क्यों दर्शन दिया। भगवान कभी कभी कृपा करने के लिए, अपने भक्त का उत्कंठा को बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ अनुभव दिखा देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे लीला कर देते हैं। तो ऐसे लीला कर देते हैं भगवान, कुछ कुछ उत्कंठा दिखा देते हैं, तो उस उत्कंठा
इसलिए दिखाते हैं कि जीव मेरे भजन करे और पूर्ण रूप में मेरे प्राप्त करे। लेकिन हम लोग, एक माता जी हमें बोल रहे थे कि मुझे तो सपने में दिख गए, अब मैंने सोच लिया कि कंठी वंटी निकाल लूं, अब मैं सिद्ध हो गया हूं, अब मुझे सपने में दिख लिया ठाकुर जी तो मैं भगवान प्राप्त हो गया। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारे उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने क्या किया ना, थोड़ा सा दर्शन दे दिया ताकि तुम और तीव्र गति से उनको भजन करते करते, ध्यान करते करते उनके धाम में जाओ। तो नारद जी इतने विचलित हो गए और विचलित होकर बाद आकाशवाणी के बाद नारद जी को थोड़ा उत्साह मिला कि मैं अब भजन करूंगा। अब नारद जी और तीव्र मात्रा में भजन करने लगे। ये नारद जी स्वयं बोल रहे हैं, किसको किसको बोल रहे हैं, व्यास जी को ये नारद जी स्वयं बता रहे हैं। तब नारद जी ने वहां पे भजन करते करते जैसे ही प्रलय हुआ और महाप्रलय में कारंद कसाई विष्णु के अंदर ब्रह्मा के समय समस्त सृष्टि वहां पे प्रलय में उनके अंदर चले जाते हैं, तो नारद जी भी उसी प्रलय में भगवान के अंदर में ही चले गए। अब उसके पश्चात नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी के जितने भी प्रारब्ध था और सबके सब भजन के प्रभाव से वो जितने भी कसाय था वो सारे नष्ट हो गए। अब नारद जी पूर्ण रूप में शुद्ध हो गए। अब उसके पश्चात जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि हुआ, भगवान की इच्छा हुआ सृष्टि हुआ, और ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे उस समय मरीचि आदि के साथ ये नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र में जन्म ग्रहण करते हैं। बोले नारद जी की, तो बोले मैं भी उसी समय पे ब्रह्मा जी के उसी सृष्टि में मैं जन्म ग्रहण किया, और मैं जैसे ही जन्म ग्रहण किया तो मुझे एक भगवान ने ही वहाँ पे प्रकट होके मुझे एक वीणा प्रदान किया। बोले देवदत्तम त्वयां वीणां, देवता के द्वारा भगवान के द्वारा प्रदत्त होके वहाँ पे एक वीणा प्रदान किया। बोले मूर्छितम हरिकथाम, कि हर समय भगवान का नाम गान कीर्तन करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। इस प्रकार नारद जी अपने चरित्र को बता रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी पाद उनकी महिमा को बोल रहे हैं, अहो देवर्षि नारदम धन्यातम दत्ता धन्यातम दत्ता कृतिवार्षिता, बता रहे हैं कि हे नारद जी अहो, कि आपके जैसे भक्त, आपके जैसे संत, किस प्रकार आपने साधुओं का सेवा किया, संतों का सेवा किया, और सेवा करने के द्वारा आपको ये फल प्राप्त हो। तो नारद जी ये सारे के सारे बात बता रहे हैं वेद व्यास जी को, कि देखो मैं भी दासी पुत्र था और मैं भी भगवान का सेवा करते करते मुझे भी क्या हुआ ना, एक ना एक दिन मुझे भगवान की, अभी जो वीणा ये देख रहे हो जो वीणा है, और मैं त्रिभुवन में जो मुझे जय जयकार हो रहा है, नारद जी के सब लोग जय दे रहे हैं, और मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आया, ये केवल संत का ही कृपा है और भगवान का ही कृपा है। इसीलिए आप भी कम शक्तिमान नहीं हो, इसलिए आप समाधि में बैठो और ध्यान करते करते उस भगवान को स्मरण करो, और स्मरण करते करते आप उस लीला को निश्चित रूप में देख पाओगे, और उसको जब आप लिखोगे, उसको जब ग्रंथ के माध्यम से आप जब प्रकाशित करोगे, उस मधुर मधुर लीला को जब प्रकाशित करोगे, तभी निश्चित रूप में आपके हृदय में ये शांति होगा। तो इसी प्रकार नारद जी का ये जीवन चरित्र है। बोल नारद जी भगवान की जय। अब उनको ताली भी हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो जो कथा है ना, कथा जैसे आप सिनेमा कभी देखे हो, आप जो सिनेमा देखने जाते हो कब जाते हो, बीच में जाते ना लास्ट में जाते हो, बोलो कब जाते हो देखने के लिए, बोलो पहले जाते हो ना। अगर गलती से गलती फिल्म उसमें ज़्यादा भीड़ होती है, देखना आधा घंटा पहले जाएंगे, लाइन लगा कर खड़े रहेंगे, अगर टिकट नहीं मिले ना ब्लास्ट से टिकट खरीदी करेंगे, फिर जाकर उसको देखेंगे क्या है सिनेमा, बताओ क्या। वो झूठ मूठ का चीज को एक रूपक दे करके बना दिया, झूठा चीज को, और जिसमें गंदी गंदी उल्टा पुल्टा लोग जिसमें काम करने वाले, कोई सही आदमी काम नहीं करती, शराब पीने वाले, चरित्र भ्रष्ट, सब लोग को देखने के लिए।